नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेस्ट एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड जो कि किस कोर्स का है, पीजीडीसीए के अंतर्गत जो हम विषय पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रामिंग विद ASP.NET। यदि आप पीजीडीसीए के सेकंड सेमेस्टर में और हाल ही में आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले हैं रिविज़न। इसका रिवीजन करेंगे। इसमें देखिए 5 इकाइयाँ दी गई हैं, एक इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5 यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे सभी इकाइयों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, उतना करेंगे जितना कि आपका काम निकल जाए। यानी परीक्षा में आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलती है 36 पेज की, 36 पेज के 36 पेज आप लिख सके आसानी से। यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको आप इस वीडियो को क्यों देखें। पहली बात तो ये है कि ये पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, एग्ज़ाम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। और यदि आप इस वीडियो को इसलिए देखने आ रहे हैं कि आप इससे वेब डेवलपमेंट सीख जाएंगे या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख जाएंगे या फिर आप डेवलपमेंट से संबंधित जो जो बेसिक्स रहते हैं और उसको सीख के यदि आप डेवलपमेंट करना सीख जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहले ही यहाँ पे आपके प्रश्न पत्र में जब आपको उत्तर पुस्तिका दी जाती है प्रश्न पत्र के साथ, तो यहाँ पे देखिए 36 पेज की कॉपी होती है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा पेज का, एक प्रश्न में कितने लिखना होता है, तो देखिए इकाई कितनी है यहाँ पे हमारी, इकाई 5 इकाई है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 इकाई, ठीक है। 36 पेज की कॉपी मिलती है, 5 प्रश्न आपको लिखने होते हैं, 5 प्रश्न आते हैं। इससे पहले भी आपने प्रश्न पेपर दिए होंगे तो आपको पता है 5 प्रश्न आते हैं। इसको 5 से भाग दो, 75 35, 7 बार पूरा पूरा ये आ रहा है और एक पेज बच जा रहा है, ठीक है, एक पेज वहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको कितने किस प्रश्न में कितने पेजेस भरने हैं या कितना कंटेंट वहाँ पे लिखना है, 1, 2, 3, 4। तो देखिए 7 गुना 4 ये हो गए कितने, 28 पेज ये हो गए। अब बचे कितने, 8 पेज। तो आप पहले प्रश्न में 8 पेज लिखेंगे। पहले प्रश्न का मतलब ये है कि वो प्रश्न जो आपको सबसे अच्छे से आता हो या सबसे अच्छे से आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। पहले प्रश्न का मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि जो प्रश्न पत्र में दिया गया पहला प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न मतलब ये है कि जो प्रश्न आपको सबसे पहले सबसे अच्छे से आता हो उसको आप सबसे पहले लिखेंगे 8 पेजेस में, और बाकी जो प्रश्न है उसको कम से कम 7 पेज में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी जो कॉपी रहेगी वो 36 पेज की भर जाएगी, ठीक है। आसानी से आप इतना कंटेंट लिख लोगे इस वीडियो को देखने के बाद कि 36 पेज का कंटेंट आप वहाँ पर लिख कर आ जाओगे। और यहाँ पर देखिए ये कॉपियाँ भरना क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब भरने से मेरा तात्पर्य यह है कि आपको वहाँ पे अटैम्प्ट करना होगा। अटैम्प्ट कैसे करना होगा, मान लीजिए 5 इकाई है और 80 नंबर का पेपर है, टोटल 32 नंबर में आप पास होते हैं, तो इस प्रकार से 5 प्रश्न यदि आए तो आपको 16 अंक एक इकाई से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। 16 अंक के लिए आपको लिखना होगा, तो ये ध्यान में रखें कि हमको 16 अंक उसमें निकालने हैं तो कितना कंटेंट हमको लिखना होगा। मैंने आपको बता दिया 8, 7, 7, 7, 7 इतने पेजेस आपको बनने हैं और इतने कंटेंट पेजेस भरने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी अनाप शनाप लिखना है। आप उसी से संबंधित चीज़ें आप लिखेंगे और कंटेंट को क्रिएट करके लिखेंगे, अच्छे से बना के लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न जरूरी नहीं जो आपने पढ़े वो सीधा सीधा आ जाए, लेकिन यदि आपने वो टॉपिक पढ़े या उस इकाई से संबंधित चीज़ें पढ़े तो आप आसानी से उसको डिज़ाइन कर लोगे आंसर को किस प्रकार लिखना है। तो एक प्रश्न में यदि आपको 16 अंक मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं आपको कितना लिखना होगा, ठीक है। तो ये थे इसके बेसिक्स, और ये बेसिक्स बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि ये बेसिक्स कई लोगों को पता नहीं होते हैं। और जैसे मान लीजिए मेरा अभी MSc का एग्ज़ाम था, MSc 4 सेम का, और या बाकी एग्ज़ाम भी जब मैं देता था MCU के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के, तो उसमें जब पेपर होने के बाद जब विद्यार्थी बाहर आते हैं, ठीक है, क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, तो गेट गेट तक पहुंचने से के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। वहाँ पे आपस में डिस्कस कर रहे होते कि तुमने कितने पेज भरे या तुमने कितने पेज भरे, कितने लिखे तुमने, तो आज पूरे लिख के आए, इस प्रकार से आप समझ सकते इस प्रकार से वहाँ पर बातें होती हैं। तो वहाँ पर कई लोगों को मैं सुनता था कि उनने 22 पेज भर किया है, 20 पेज भर किया है, 36 में से बात हो रही है यहाँ पे, 36 पेज में से 22 पेज, 20 पेज, ये बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे आप कम से कम 30 पेज तो लिखिए, 30 पेज से ऊपर आपको लिखना चाहिए हर पेपर में। यदि 36 पेज की कॉपी आपको मिल रही है तो आपको कम से कम 30 पेज से ऊपर आपको कॉन्टेंट देना है। यदि आप अटैम्प्ट करेंगे ज़्यादा नंबर के लिए तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मान लीजिए किसी ने एक प्रश्न लिखा है
और एक प्रश्न में मात्र 4 पेज भरा है। तो क्या 4 पेज में 16 नंबर मिलने के यहाँ पे चांस आपको दिख रहे हैं? आप खुद सोचिए, 4 पेज में 16 नंबर आपको मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलेंगे, आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपको उसको विस्तार से लिखना होता है ना, वहाँ पर लिखा होता है विस्तार से वर्णन करें या फिर विस्तार से बताइए, इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर रहती है। और 16 नंबर का प्रश्न है तो आपको मतलब कॉमन सेंस आपके पास ये डेवलप होना चाहिए कि आपको इतने पेजेस आपको लिखने हैं, कम से कम कंटेंट आपको देना है, अटेम्प्ट करना है 16 नंबर के लिए। फिर आपको 15 मिल जाए, 14 मिल जाए, 12, 13, 10 मिल जाए, जितने मिल जाए वो फिर चेक करने वाले के ऊपर है कि वो कितने आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको अटैम्प्ट तो पूरा करना होगा। ठीक है, तो इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। आई होप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये 30 से ऊपर पेज आप भरने का प्रयास करेंगे। तो आई होप इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है या जो लक्ष्य है आपको पता चल गया होगा। यदि आप इस लक्ष्य को हासिल करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में आप बने रहेंगे, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। इसमें पाठ्यक्रम जो है, इस पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं? आपका पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है इकाई एक। ठीक है, आप सभी जानते हैं 5 इकाई है इसमें। इकाई एक से हम शुरू करेंगे। इकाई एक में जो चीज़ें हमको डिस्कस करनी है वो है यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड HTML। यहाँ पे ये पूरी इकाई HTML के ऊपर है। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस बनाने के लिए उपयोग की जाती है लैंग्वेज। सॉरी, वेब पेजेस से मिलकर क्या बना होता है? देखिए, वेब पेज से मिलकर बने होते हैं क्या? वेब पेज से मिलकर बनी होती है वेबसाइट। ठीक है, आप जो भी वेबसाइट आप चेक करेंगे, आप वहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई वेबसाइट मैं ओपन कर रहा हूँ रैंडमली, एक मिनट, नेट क्या नेट में रहा हूँ नहीं, इंटरनेट, एक मिनट कनेक्ट कर लिया जाए। यस, कनेक्टेड। जैसे मान लीजिए ये कोई वेबसाइट हमने ओपन की, ठीक है, तो ये वेब पेज है। आपको जो इंटरफेस यहाँ पर दिख रहा है, इंटरफेस, ये वेब पेज है, ये एक वेब पेज है। इसी प्रकार बहुत सारे वेब पेजेस मिलकर इस वेबसाइट को बनाए हैं। ये जैसे मान लीजिए हम कहीं और पर क्लिक करते, किसी दूसरे ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये एक नया वेब पेज खुलेगा। कहीं और दूसरे ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एक नया वेब पेज खुलेगा। यहाँ पे मेनूज में क्लिक करेंगे, एक नया वेब पेज खुलेगा। मतलब क्या है कि वेब पेजेस से मिलकर बनती है वेबसाइट। ठीक है, वेब पेजेस से मिलकर क्या बनेगी? वेबसाइट बनेगी। आगे समझ में? अब उसी के बारे में हमको यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से उसके अंदर जो चीज़ें होती है, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड HTML, एलिमेंट्स ऑफ HTML, सिंटैक्स, हेड एंड बॉडी, सेक्शन, यहाँ पे बिल्डिंग HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट को किस प्रकार बनाया जाता है टेक्स्ट राइटर की सहायता से, इंसर्टिंग टेक्स्ट, इमेजेस, हाइपर लिंक्स, बैकग्राउंड, कंट्रोल कलर, सॉरी, ये सारी चीज़ों को कैसे हम ऐड करेंगे HTML डॉक्यूमेंट में, HTML के टैग क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, टेबल का लेआउट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यूज ऑफ फॉन्ट्स, साइज, एट्रीब्यूट्स, फॉन्ट के साइज क्या होंगे, उनके गुण क्या होंगे, ठीक है, किस प्रकार का फॉन्ट होगा और उसकी स्टाइल वगैरह क्या होगी, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, किस प्रकार से, एट्रीब्यूट हम डिसाइड करेंगे, लिस्ट टाइप एंड इट्स टैग्स, और यूज़ ऑफ फ्रेम एंड फॉर्म्स इन वेब पेजेस। ठीक है, ये आपका टॉपिक्स है इकाई एक के अंतर्गत। इसके लिए आपको अटैम्प्ट करना है कितने अंक के लिए? 16 अंक के लिए आपको अटैम्प्ट करना है इस इकाई से। तो देखिए हम इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे देखेंगे। विस्तार से मतलब विस्तार इतना होगा कि आपका पेपर में आप आसानी से अच्छे नंबर ला लें। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं कि आप डेवलपर बन जाए। यहाँ पे देखिए HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये है इसका पूरा नाम, समझ गए आप। यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज बनाने के लिए विकसित किया गया। किस लिए विकसित किया गया? वेब डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर वेब पेज। हम वेब पेज को वेब डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। वास्तव में जब हम कोड करते हैं इसमें, तो कोड जब हम सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट के नाम से हम उसे जानेंगे, और जब वो ब्राउज़र में जब ओपन हो जाता है तो हम उसको वेब पेज के नाम से जानने लगते हैं। तो बात एक ही है,
ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होना, वेब डॉक्यूमेंट और वेब पेज में। ठीक है, इसका विकास 90 के दशक में हुआ था। यह एक वेब पेज का आधार होती है, जो एचटीएमएल लैंग्वेज होती है, एक किसी भी वेब पेज का आधार होती है। मूलभूत जो आवश्यक चीज़ें होती है वेब पेज बनाने में, यह है एचटीएमएल, ये लैंग्वेज है। और वेब पेज एक वेबसाइट का आधार होते हैं। वेब पेज क्या होते हैं? वेबसाइट का आधार होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी वेबसाइट के अंदर लेके गया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत सारे वेब पेजेस है। वेब पेजेस बोलकर क्या बनाएंगे? वेबसाइट बनाएंगे। एचटीएमएल वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करती है। एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या है बेसिकली? वो टैग्स होता है। ये देखिए, एक फ्रेमवर्क मैं आपको बताऊँगा छोटा सा, या फिर एक फ्लो चार्ट जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें आप इसको आसानी समझ सकते हैं। पहले होता है एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट। ठीक है, एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट कहाँ बनाएंगे आप, किसकी सहायता से बनाएंगे? एक नोटपैड की सहायता से बनाएंगे। नोटपैड ये इसका हम क्या ये नोटपैड के अलावा कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, जरूरी है आप नोटपैड में बनाए। टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप ले सकते हैं, इसमें टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है। पहले हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नोटपैड में हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को बनाएंगे। अब एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में क्या होते हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ें होती है? जैसे मान लीजिए ये कोई पेज है, और ये यहाँ पे ये टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे इस प्रकार की विंडो है। तो यहाँ पे क्या होंगे? टैग्स होंगे, टैग होंगे, बहुत सारे टैग होंगे, टैग। ठीक है, टैग को हम किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से बंद करते हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। एक मिनट, सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है क्या? हाँ, एक मिनट, इसको बंद करके चालू किया जाए फिर से। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? HTML डॉक्यूमेंट में थे। HTML डॉक्यूमेंट में क्या होता है? HTML टैग होते हैं, HTML टैग होते हैं। टैग के इस्तेमाल करके फिर वो बनता है क्या? HTML डॉक्यूमेंट, मतलब उसके अंदर जो होता है वो हम टैग के इस्तेमाल करेंगे, और टैग जब कंप्लीट बन जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? HTML का डॉक्यूमेंट। कंप्लीट टैग का इस्तेमाल करके वो बना लेंगे HTML का डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टैग की। ठीक है, टैग कितने प्रकार के हो सकते हैं HTML के अंतर्गत? देखिए, एक होता है स्टार्ट टैग, जिसको हम स्टार्ट करेंगे कोई भी टैग। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं H1, ठीक है, H1, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे उसको। फिर देखिए, ये पहला फॉर्म हो गया। दूसरा क्या है? क्लोज टैग। ये H1 को हमने स्टार्ट किया, इसको बंद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन लेस देन का यहाँ पे साइन लगेगा, और ये टैग का नाम रहेगा इस प्रकार से, और यहाँ पे हम इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। तो फॉरवर्ड स्लैश लगाने पे ये क्या हो जाएगा? टैग बंद हो जाएगा, और बीच में चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट होते हैं जो टैग के बीच में लिखे होते हैं। ठीक है, ये क्लोज टैग हो गया, जिसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम लिख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट टैग इस प्रकार से होता है, क्लोज टैग ऐसे होगा। ठीक है, और एक होता है एम्प्टी टैग का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ टैक्स यहाँ पे यदि लिख देंगे, तो ये यहाँ पे एम्प्टी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ टैक्स होगा। यदि हम सिर्फ टैग बना के छोड़ देते हैं, मान लीजिए H1 और H1 को ओपन किए, H1 को बंद कर दिए, फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसको बंद कर दिए, तो ये एम्प्टी टैग होगा, मतलब इसमें बीच में कुछ नहीं है, एम्प्टी टैग। ठीक है, HTML के डॉक्यूमेंट को हम किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे टेक्स्ट एडिटर में, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, तो वहाँ पे हम इस प्रकार देख सकते हैं इसको। ये टेक्स्ट एडिटर खुल गया नोटपैड, यहाँ पे देखिए ये जो कोडिंग यहाँ पे दी गई है, मैं आपको डिकोड करके इसको बताऊँगा कि इसका अर्थ क्या है, किस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई टैग ओपन होगा तो बंद होगा। ठीक है, ओपन टैग क्लोज टैग साथ में आएंगे, जोड़े से आते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए HTML हमने लिखे, शुरुआत हम HTML के यदि करेंगे तो HTML से शुरुआत करेंगे। ठीक है, HTML शुरुआत करेंगे, और HTML शुरू हुआ तो इसको हम बंद भी करेंगे, HTML। ठीक है, HTML को हम बंद कर दिए, ये टैग बंद हो गया हमारा। ठीक है, अब
दोनों टैग के बीच में ही हम कुछ लिख पाएंगे या कुछ कंटेंट डाल पाएंगे, तो इसको एंटर कर दो अभी, क्योंकि HTML शुरू होगा, HTML बंद होगा, इसके बीच में ही चीज़ें होगी सारी। अब यहाँ पे देखिए, HTML के बाद यहाँ पे हेड आएगा, क्या आएगा, हेड टैग। ये सारे टैग है, ये ओपन टैग है। यदि यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मेट लिखा है तो ओपन टैग है, और यदि फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पे कंटेंट लिखा है या जो टैग लिखा है तो वो क्लोज टैग है। दो टैग हो गए, समझ गया। और एक एम्प्टी टैग क्या होता है, जिसमें हम बीच में कंटेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। हेड को हमने ओपन किए, हेड को यहाँ पे हम बंद कर देंगे, ठीक है। बंद कैसे करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा के, यह हो गया, ये कर दिए हेड। अब हेड के अंदर ही हम क्या लिखते हैं, टाइटल। क्या लिखेंगे, टाइटल, ठीक है, टाइटल हमने लिखे। अब टाइटल शुरू हुआ है तो हम टाइटल को फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद भी करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा, हमने इसको बंद कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या टाइटल में क्या लिख लेते हैं, वेलकम, ये वेलकम या कुछ, या हेलो लिख लो यहाँ पर, ठीक है, हेलो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये आपने लिख लिया, ठीक है, इतना हो गया। ये आपने टैग शुरू किए, टैग बंद कर दिए, ये हम यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं कि किस प्रकार से टैग की का टैग हम लिखते हैं, ठीक है। HTML का हेड ओपन हुआ, हेड क्लोज हो गया, टाइटल ओपन हुआ, टाइटल क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं बॉडी में, किस पे आएंगे, बॉडी में। यहाँ पे देखिए, बॉडी में हम, बॉडी के अंतर्गत हम चीज़ें लिखते हैं। आप लाइन वहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई मतलब ये जरूरी नहीं कि आप यदि लाइन टू लाइन लिखे, जैसे मैंने इंटर मारो तो आप इंटर मार सकते हैं, ठीक है। बॉडी टैग ओपन हुआ, बॉडी टैग को हम क्लोज भी करेंगे, बॉडी, ठीक है, ये हो गया। अब जो पेज के अंदर जो चीज़ें आती है, वेब पेज के अंदर जो भी चीज़ें आएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वेब पेज यहाँ पर दिख रहा है, तो वेब पेज के अंदर ये जो चीज़ें, जितने भी आइटम आपको दिख रहे हैं, वो बॉडी के अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी होगी, बॉडी के अंदर लिखी होगी, ये जो वेब पेज में आप दिख रहे हैं वो, ठीक है। तो बॉडी में हम बॉडी टैग ओपन किए, बॉडी टैग बंद कर दिए। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक टैग होता है H1, ठीक है, H1 मतलब हेडिंग वन, ठीक है, H1 होगा। यहाँ पे लिख देंगे हम वेलकम, ठीक है, वेलकम लिखे। अब इस टैग को हम बंद भी करेंगे, ओपन किए हैं तो, आप हमेशा याद रखें, टैग ओपन किए तो टैग बंद भी होगा, ठीक है। वेलकम, ये H1 टैग हो गया, H1 H2 इस प्रकार से टैग होते हैं, और H1 मतलब हेडिंग वन, ये बड़ी हेडिंग वन क्या आएगा, ये H1 हो गया। अब हम एक टैग ले लेते हैं P, P से मतलब होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ में क्या लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए वी आर इंडियंस कर देते हैं यहाँ पे, We are Indians, ठीक है, इस प्रकार से हम लिखे। पैराग्राफ टैग ओपन हुआ, पैराग्राफ टैग बंद होगा, ये आपको जरूरी है, आवश्यक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना, इतनी चीज़ें होगी, ठीक है। एक बेसिक सा HTML का डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे तैयार किया अभी। अब देखिए इसको सेव कैसे करते हैं, ठीक है। एक तो यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के फॉर्म में सेव होगा, ठीक है, टेक्स्ट फाइल सेव होगी। लेकिन यदि हमको इसको HTML फाइल में करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको सेव एस पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, सेव एस पे। और जैसे मान लीजिए मैं डाउनलोड सेक्शन पर जाके इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको सेव कर सकेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपका जो वेब पेज है वो रन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल का नेम है, फाइल का नेम डॉट, यहाँ पे डॉट txt लिखा रहा है, ये एक्सटेंशन आप देख रहे हो, एक्सटेंशन यहाँ पे जो है डॉट txt लिखा रहा, मतलब वो टेक्स्ट फाइल है। हमको इसको डिलीट करना है, पहले बैक स्पेस से डिलीट कर दिए उसको। यहाँ पे हम लिख लिए माय फर्स्ट वेब पेज, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लगाएंगे डॉट, डॉट के बाद जो भी चीज़ें लिखी जाती है फाइल नेम में, वो उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, HTML क्या लिखेंगे, .html लगा के हम फाइल को सेव करेंगे। तो ये फाइल हम करते हैं सेव, या डाउनलोड सेक्शन में हम जाके कर रहे हैं, आप किसी भी फोल्डर को चूज़ कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे सेव कर दिए, ठीक है, माय फर्स्ट वेब पेज। अब चलिए इसको हम ओपन करते हैं, तो ये कैसे ओपन होगा हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, ये ब्राउज़र पूछ रहा है किस ब्राउज़र में आपको खोलना है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वेब पेज ओपन हो चुका है,
ठीक है, हमने हेडिंग वन में वेलकम दिए थे और पैराग्राफ में कह दिए थे इंडियंस। अब आप बोलेंगे कि बाकी जो चीज़ें थी HTML जो हमने लिखे, बाकी चीज़ें लिखी, ये क्यों नहीं आई और ये सिर्फ ये चीज़ें क्यों आई है? क्योंकि देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत जो बॉडी के अंतर्गत जो जो चीज़ें हम लिखेंगे वही यहाँ पे आएगी। ठीक है, बॉडी के अंतर्गत चीज़ें जो लिखेंगे वो यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे हमने टाइटल दिया था, ये देखिए, यहाँ समझिए, ठीक है, ये क्या क्या दिया था हमने, टाइटल दिया था हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हमने क्या किया था, बॉडी के अंदर दो चीज़ें दिए थे, बॉडी के अंदर H1 दिए थे, H1 टैग के अंतर्गत, हेडिंग वन के अंतर्गत हमने दिए थे तो ये वेलकम आ गया, और पैराग्राफ के अंतर्गत दिए थे तो ये वी आर इंडियंस आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सिंपल सा HTML डॉक्यूमेंट आपने बनाना सीखा, कैसे कोड करते हैं, कैसे सेव करते हैं और कैसे यहाँ पे ये रन होता है। ठीक है, ये आई होप ये यदि आप इतना समझ गए होंगे तो HTML आपके लिए जो जो हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात आप क्या क्या याद रखेंगे, कोई टैग शुरू हो रहा था वो टैग बंद भी होगा, टैग को लिखने का तरीका हमने देख लिए। ठीक है, इतना हो गया। और जो जो चीज़ें हमको वेब पेज के अंदर दिखानी है वो यहाँ पे आएगी बॉडी के अंदर का। ठीक है, जो भी हमको इमेजेस डालना है, टेबल डालना है या जो भी चीज़ हमको डालना है वो कहाँ पे आएगी, बॉडी के अंतर्गत लिखना है। ये इसका तरीका है। यहाँ पे HTML शुरू किए तो HTML बंद भी हो जाएगा, उसको पहले ही बंद कर दो। हेड हमने शुरू किए, हेड हम बंद भी कर देंगे। हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल आता है, टाइटल को हमने शुरू किए, यहाँ पर टेक्स्ट लिखे, ये बंद कर दिए, इतना हो गया। ठीक है, तो सिर्फ मतलब कोई भी आप वेब पेज बनाएंगे तो इतनी चीज़ें आपके लिए कॉमन रहेंगी। कौन सी? इतनी चीज़ें, ये देख लीजिए, यहाँ पे इसका नाम भी चेंज हो सकता है, ये मान ली इतनी चीज़ें। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इसका स्ट्रक्चर है। HTML शुरू हुआ, HTML बंद हो गया, हेड शुरू हुआ, हेड बंद हो गया, टाइटल शुरू हुआ, टाइटल बंद हो गया। तो यहाँ पे आप इसका जैसे नाम आपको लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिख दिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आप बॉडी के अंतर्गत जो भी चीज़ें लिखेंगे वो वेब पेज में शो होगी, ये हो गया। ठीक है, आप इसको सेव कर लेंगे। देखो, एक बार ही आपका HTML डॉक्यूमेंट में सेव करना है, बार बार उसको सेव ऐसा नहीं करना है। एक बार यदि HTML डॉक्यूमेंट के नाम पे आपने उसको सेव कर लिया एक्सटेंशन लगा के, तो यहाँ पे सेव ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो भी वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, ठीक है, हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे लिख दिए हेलो इंडिया, हेलो इंडिया लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाके सेव कर दिए। अब इसको, ये जो वेब पेज हमारा यहाँ पर रन हुआ था, इसको रिफ्रेश कर लेंगे, एक मिनट, फिर से इसको सेव करके, ये हुआ। और हम यहाँ पे गए, वो फाइल कहाँ गई, ये फाइल है माय वेब पेज, ये देखो ये आ गया हेलो इंडिया। ये देखिए, ये हेलो इंडियन यहाँ पे आ गया, ये टाइटल जो है हेलो इंडिया यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार यदि आप इसको चेंजेस करेंगे तो एक बार में आपको सिर्फ करना है HTML डॉक्यूमेंट, बाद में आप सेव करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपने बनाना सीख गए, किस प्रकार से वो लिखते हैं, ये फॉर्मेट आप सीख गए। बस अब जो भी चीज़ें आएगी बॉडी के अंतर्गत आएगी, बॉडी के अंतर्गत हमको सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंतर्गत सारी चीज़ें, आप इमेज डालोगे, टेबल डालोगे, जो भी चीज़ आप यहाँ पर डालोगे वो बॉडी टैग के अंतर्गत आएगी, समझ गया? अब देखिए, जैसे यहाँ पे जो बाकी चीज़ें जो दी गई है, ठीक है, HTML का सिंटैक्स हमने देख लिए, सिंटैक्स कैसे होता है, हेड देख लिए, बॉडी देख ली, बॉडी सेक्शन हमने देख लिए, बिल्डिंग HTML डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं अभी, आपने देखा कि किस प्रकार से हमने HTML का डॉक्यूमेंट बनाया यहाँ पे। अब देखिए, जो भी चीज़ें इंसर्ट होगी यहाँ पे, टेक्स्ट हमने इंसर्ट किए H1 के अंतर्गत किए थे, और पैराग्राफ टैग के अंतर्गत टेक्स्ट इंसर्ट किए थे, वहाँ पे लिखा रहा था ना वेलकम और वी आर इंडियंस इस प्रकार से, तो वो टेक्स्ट इंसर्ट करना भी हम देख लिए। अब हम इमेजेस इंसर्ट करना देख लेंगे, और हाइपरलिंक्स वगैरह किस प्रकार से काम करती है वो देख लेंगे, बैकग्राउंड एंड कलर कंट्रोल वगैरह हम देख लेंगे, कलर हम कैसे यूज़ करते हैं, HTML टैग, टेबल लेआउट, प्रेजेंटेशन, यूज़ ऑफ फॉन्ट्स, एट्रीब्यूट्स, लिस्ट टाइप, इट्स टैग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब जैसा कि हमने यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट बना लिया है, इसके अंदर ही सारी चीज़ें आएगी। तो टैग तो आपको पता है, टैग ओपन कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, इसके बाद जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, मैं बाकी कोडिंग तो आपको करके नहीं दिखाऊँ क्योंकि काफ़ी समय हो जाएगा, और इकाई एक में ही हम काफ़ी समय यहाँ पर खर्च कर लेंगे। तो मैंने आपको सिंटैक्स को बता दिया कैसे लिखना है, और कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी ये भी मैंने आपको बता दिया, बॉडी के अंतर्गत ही ये सारे टैग आएंगे तो आप वहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम सीधे इसकी जो थ्योरी है वो सीधा पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो यहाँ पर ये इकाई एक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका नाम है, पूरा नाम। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, एक एक शब्दावली में हम जाएंगे कि किस प्रकार ये शब्दावली, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। हाइपर टेक्स्ट, एक तो होता है टेक्स्ट, एक होता है साधारण टेक्स्ट। जैसे हमने कुछ भी लिख दिए या किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में या नोटपैड में लिख दिए, यदि हम .html से उसको सेव ना करें उस फाइल को, तो वो साधारण टेक्स्ट होता है, ठीक है, साधारण टेक्स्ट होगा। या फिर कोई भी जो सिंपल टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो साधारण टेक्स्ट होगा। लेकिन हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट वह तरीका है जिसके द्वारा वेब को एक्सप्लोर किया जाता है। वेब को क्या करेंगे, एक्सप्लोर किया करेंगे हम। यह एक साधारण टेक्स्ट ही होता है, पहले तो ये साधारण टेक्स्ट होगा, उसके बाद ये हाइपर टेक्स्ट बनेगा। लेकिन हाइपर टेक्स्ट अपने साथ किसी अन्य टेक्स्ट को जुड़े रखता है, जिसे माउस क्लिक टैप से या कुंजी दबाकर सक्रिय किया जाता है। जैसे मान लीजिए इस वेबसाइट में हम जाएंगे, जैसे यदि हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे जाके हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक किए तो ये खुल गया, HTML इंट्रोडक्शन यहाँ पे खुल गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस टेक्स्ट पे जाके हमने क्लिक किए हैं, तब ये खुला, ये वेब पेज खुला। तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, ये टेक्स्ट यहाँ पे हो गया साधारण टेक्स्ट नहीं, ये हो गया हाइपर टेक्स्ट हो गया। हाइपर टेक्स्ट में हम यदि क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरे में ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक किए तो ये क्या हो गया, ये वाला पेज खुल गया, तो ये वाला टेक्स्ट क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट हो गया, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, जिस पे हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कुंजी दबाकर सक्रिय करते हैं, या ये चीज़ें, ठीक है। इसकी यह विशेषता इसे साधारण टेक्स्ट से अलग करती है, हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट को ही क्या बोल सकते हैं, हाइपर लिंक इसको बोलेंगे, हाइपर लिंक, ठीक है। लिंक आपने कई बार देखा व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में या कहीं मेल में आपको लिंक आती है, किसी वेबसाइट में आपको लिंक दे दी जाती है कि ये हाइपर लिंक है, ये हाइपर लिंक तो नहीं बोलते, उसको लिंक बोलते हैं। लिंक क्या होती है, वो हाइपर लिंक ही होती है, ठीक है। इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप पहुंच जाएंगे इस वेब पेज पर, या इस टाइप की चीज़ें आती है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आपने यहाँ पर देखा होगा, तो वो है हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। HTML के एंकर टैग यानी जो ए टैग है, एंकर टैग ये वाला होता है, ए हम लिखते हैं, टैग ओपन किए, टैग क्लोज किए फॉरवर्ड स्लैश लगा के, तो ये एंकर टैग है। एंकर टैग के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाया जा सकता है। इसके अलावा इमेजेस, वीडियो, साउंड आदि को भी हाइपरलिंक बनाया जा सकता है। इस प्रकार लिंक डेटा हाइपर मीडिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, हाइपर मीडिया, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट की एक और विशेषता होती है, यह रेखीय लीनियर नहीं होता है, अर्थात हाइपर टेक्स्ट को किसी भी क्रम में सक्रिय किया जा सकता है, किसी भी क्रम में हम इसको सक्रिय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट जो हाइपर लिंक वगैरह यहाँ पे दी गई है, हम यहाँ पे यदि इन ऑप्शन पर जाएंगे तो उनके वेब पेज पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्कअप क्या होता है, HTML वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए HTML टैग्स का उपयोग करती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने डिस्कस किया और आपने देखा भी बनाना। प्रत्येक HTML टैग अपने बीच आने वाले टैग्स को किसी प्रकार में परिभाषित करता है, इसे ही मार्कअप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक HTML टैग अपने बीच आने वाले टैग्स को किसी प्रकार में परिभाषित करता है। जैसे मान लीजिए H1 हमने किए, यहाँ पे इसके बीच में जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मार्कअप, फॉरवर्ड स्लैश लगा कर टैग बंद किए, तो ये क्या हो जाएगा, मार्कअप, इसे ही मार्कअप कहते हैं। और I टैग एक HTML टैग है जो अपने बीच आने वाले टैग्स को तिरछा इटैलिक करता है, इटैलिक, ठीक है। I टैग यदि हम लगाएंगे, आई टैग ओपन किया, आई टैग बंद किए, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को तिरछा करेगा, इटैलिक कर देगा, ठीक है। बोल्ड आते हैं, अंडरलाइन आते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये टैग होते हैं, ठीक है। आई बोल्ड और ये हो जाएगा अंडरलाइन यू, ये टैग ओपन हुए, टैग बंद भी हो जाएंगे, टैग ओपन हुए तो टैग यहाँ पे बंद भी हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से इटैलिक का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, HTML जिसे साधारण लिखा गया है, जो हमें आम टेक्स्ट की तरह सीधा HTML दिखाई दे रहा है, हम इसे HTML के द्वारा मार्कअप करते हैं, ठीक है। HTML के द्वारा मार्कअप करेंगे और मार्कअप को हम इसे तिरछा करते हैं, जब HTML को दोनों चिन्हों, ये HTML के दोनों कोड के बीच इस तरह HTML लिखा जाएगा तो यह शब्द तिरछा आएगा। कैसा आएगा, HTML इस प्रकार का आएगा, ये तिरछा आएगा, ठीक है। ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है वो किस प्रकार का आएगा, तिरछा दिखाई देगा, अर्थात इसे तिरछा या फिर सॉरी इटैलिक मार्कअप किया गया है, ये हम कहेंगे, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को ही मार्कअप करना कहते हैं, और वेब पर मौजूद सभी वेब डॉक्यूमेंट इसी तरह फॉर्मेट किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं
लैंग्वेज की HTML एक भाषा है क्योंकि यह वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करती है जिन्हें टैग्स कहते हैं। क्या कहेंगे? टैग्स। HTML वेब पेज क्या है? HTML वेब पेज कलेक्शन है टैग का। टैग से मिलकर क्या बनते हैं? वेब पेज, और वेब पेज से मिलकर बनती है वेबसाइट। क्या बनेगी? वेबसाइट। ठीक है, आप समझ गए बेसिक। वेब पेज टैग, HTML टैग से वेब पेज बनेंगे और वेब पेज से बनेंगी वेबसाइट। ठीक है, और इन टैग्स को लिखने के लिए हाइपर टैग्स के लिए HTML का सिंटैक्स भी है, और इसलिए यह एक भाषा भी है। HTML का सिंटैक्स हमने देख लिए, जो इस वाले डॉक्यूमेंट में हमने देखा ना, ये सिंटैक्स ही है इसका कि किस प्रकार से लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं जो क्रमशः होते हैं एलिमेंट, टैग और टेक्स्ट है। ठीक है, एलिमेंट है, टैग्स है और टेक्स्ट है। ठीक है, HTML एलिमेंट HTML टैग से मिलकर बना होता है, HTML एलिमेंट एलिमेंट टैग से मिलकर बना होता है, और एंगल ब्रैकेट के बीच जो शब्द या अक्षर लिखा होता है इसे HTML टैग कहते हैं। ये बोलेंगे जैसे मान लीजिए H1 लिखा है तो HTML टैग हो गया। ठीक है, एंगल ब्रैकेट, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ब्रैकेट ही बोल सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, और एक और होता है, एक एम्प्टी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो टेक्स्ट होते हैं वो टेक्स्ट के बीच में हम यहाँ पे HTML टैग के बीच में हम टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो आई होप ये टैग के बीच में टेक्स्ट कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली आपने क्या सीखा यहाँ पे? HTML डॉक्यूमेंट का सिंटैक्स आप सीख गए, इसको कैसे लिखते हैं कोड, एंगल टैग के अंतर्गत कैसे कैसे चीज़ें आपके आती है, और जो भी चीज़ें आप लिखेंगे बॉडी के अंतर्गत आएगी, आप समझ गए। ठीक है, अब इस प्रकार आपके आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आसानी समझ में आएंगे। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह आपको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जैसे ये वर्जन वगैरह दिए हैं ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको PDF में मैं दे दूंगा। ये थ्योरी वगैरह कि वर्जन कब आया, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, तो आपको PDF कहाँ से मिल जाएगी? ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, SSW एजुकेशन PDF नाम का चैनल है, तो आपको यहाँ पे सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए आप? तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, 2260 यहाँ पर सब्सक्राइबर अभी ऑलरेडी है, हालांकि ये बहुत ही कम है, लेकिन जो हमारा पिछला टेलीग्राम चैनल था उसमें काफ़ी सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो हैक हो चुका था। ठीक है, तो हैक होने के कारण वो सारे सब्सक्राइबर बेस हमारे चले गए, तो ये फिर से हमने नया बनाया, तो अभी ये शुरू हुआ है। आप समझ सकते हैं 6000 सब्सक्राइबर के पास हम लोग हैं अभी, तो यहाँ पे सिर्फ टेलीग्राम से 2260 सब्सक्राइबर, तो ये चीज़ें वही हुई थी कि हमारा टेलीग्राम चैनल हैक हो चुका था, फिर से हम नया बनाया, तो वहाँ पे संख्या भी कम है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो भी PDF आपको चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ DCA PGDCA BCA और MSc लेवल तक की सारी PDF आपको यहाँ पे मिलेगी, और वो भी बहुत ही डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने HTML के बारे में देख ली, काफ़ी सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। HTML का टैग का यूज़ हम कैसे करेंगे, और HTML का यूज़ हम देख लेते हैं। HTML का यूज़ कैसे, HTML का उपयोग वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, परंतु यह सिर्फ वेब डॉक्यूमेंट बनाने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि HTML वेब का आधार है, इसके बिना वेब का निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। HTML नहीं होगा तो हम वेब नहीं बना पाएंगे, वेब पेजेस नहीं बना पाएंगे, तो वेब पेज से वेबसाइट नहीं बन पाएगी। ठीक है, HTML का उपयोग वेब डेवलपमेंट में किया जाता है, नेविगेशन में, गेम डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्सिव ग्राफिक्स में, और वेब डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में इसका उपयोग करेंगे। और हाउ टू यूज़ ये हमने देख चुके हैं, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमने टेक्स्ट जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमने लिखे थे, टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करके, टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड का उपयोग करके हमने अभी चीज़ें देखें, तो ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। वेब पेजेस आप देख सकते हैं, वेब पेज मैंने आपको बताया हूँ किस प्रकार से होता है, तो ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। ये आप ये थ्योरी थोड़ी सी आप पढ़ लेना, टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1991 में पहला HTML डॉक्यूमेंट बनाया गया था, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हाउ टू यूज़ वेब पेजेस को कैसे यूज़ करना है, हाँ देखिए ये आप देख लिए, वेब पेजेस कैसे यूज़ करना है ये हमने किए, तो यहाँ पे वेब पेजेस का इस्तेमाल हमने किए थे। जैसे मान लीजिए ये कोई वेब पेज, ये तो हमारा हो गया कौन सा, जो हमने सेव किए इस कंप्यूटर में सेव किए, और आपने इसको ओपन किए थे, तो ये कहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन हुआ, ये देखिए ये ब्राउज़र में यहाँ पे ओपन हुआ वो, ठीक है ब्राउज़र में ओपन हुआ, तो इस प्रकार आप ओपन करने के लिए। और यहाँ पे यदि आपको जो इंटरनेट पे जो जो दिए गए जो भी वेब पेजेस उसको आपको ओपन करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कहाँ पे,
ये किसी भी ब्राउज़र में जाके एड्रेस बार में आप टाइप करेंगे, या वेबसाइट का नाम नाम टाइप करेंगे, या फिर गूगल टाइप कर सकते, गूगल डॉट को डॉट इन कर देंगे, तो ये वेब पेज आपके सामने आ गया। ठीक है, ये सर्च इंजन का वेब पेज आपके सामने आ गया। तो इस प्रकार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आइयो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? वेब पेजेस स्टैटिक वेब पेज होता है, डायनेमिक वेब पेज होता है। स्टैटिक मतलब जो स्थिर होगा, और डायनेमिक मतलब जिसमें चेंजेस होते रहेंगे लगातार। ठीक है, स्टैटिक वेब पेज के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्टैटिक हो जाएगा और जो 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 डायनेमिक रहेगा वो चेंज होते रहेंगे। इसमें डिफरेंट बिटवीन वेब पेजेस एंड वेबसाइट, वेब पेज और वेबसाइट में आई होप आपको अंतर है अभी समझ में आ गया होगा। हमने काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन किया, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो जो हमने चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं तो वो आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से PDF आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज, हम वेब पेज बनाना हम देख चुके हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, सेव कैसे करते हैं, और ये ओपन कैसे करते हैं, ओपन करना भी हमने देख लिए। HTML ओपन करने का तरीका, फंडामेंटल कीवर्ड्स वगैरह, बेसिक टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह हमने ये देख लिए कैसे ओपन करेंगे। HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर हमने देख चुके हैं। ठीक है, वेब पेज का स्ट्रक्चर की आपको पता नहीं, क्या आवश्यकता मुझे है नहीं। HTML टैग्स क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैंने आपको बता दिया हूँ अभी। ठीक है, ओपनिंग टैग टेक्स्ट और क्लोजिंग टैग यहाँ पे होता है, और ये देखिए। ठीक है, टैग और ये पेयर्ड HTML टैग, अनपेयर्ड HTML टैग, ये हो जाएगा पेयर्ड HTML टैग आप यहाँ पे देख लेना, अनपेयर्ड HTML टैग आप यहाँ पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ी सी थ्योरी है, आप समझ जाओगे। HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट यहाँ पे देख लेना आप, ये थ्योरी पढ़ लेना, मैंने बता तो दिया हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है। एम्प्टी HTML एलिमेंट क्या होगा, खाली वाला होगा वो। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। HTML के एट्रीब्यूट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट्रीब्यूट मतलब गुण, किसी भी व्यक्ति के गुण या किसी भी चीज़ के गुण आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लिया आपने टेक्स्ट लिखे हो, जैसे हमने कोई भी टेक्स्ट लिखे हो तो टेक्स्ट के गुण होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट के गुण आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टेक्स्ट को जैसे हमने देखे अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, हमने एक देखा था HTML, वहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था, HTML टेक्स्ट लिखा था वहाँ पे, तो हमने उसको इस प्रकार से जब बनाए थे तो वो कैसे शो हो रहा था, HTML ये तिरछा शो होगा, HTML वो इटैलिक हो जाएगा। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके। ठीक है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट के बारे में, ये कितने प्रकार के रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो आवश्यक होते हैं, ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इवेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी काफ़ी बड़ी PDF है, 356 पेज की PDF है, तो आप इसको एक बार यदि देख लेंगे तो आपके लिए आपको और आसानी हो जाएगी। इसको जो भी चीज़ें मैंने आपके डिस्कस किया उसको और एक बार देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। हैड टैग वही जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे विस्तार से दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ गया। और कुछ टैग्स है, ये तो मैंने बेसिक टैग आपको बताया, और कुछ टैग होंगे जो आपको आपको यहाँ पे अंदर बताए गए हैं, तो उसका इस्तेमाल करके आप जो HTML डॉक्यूमेंट है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टैग हैं, 100 से ज़्यादा टैग है इसमें। ठीक है, तो आप सारे टैग यदि आप डिस्कस करने करने लग जाएंगे तो आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे सर पेपर ख़त्म हो गया, आपने अभी तक टैग नहीं बताया। ठीक है, तो यदि आपको पूरा विस्तार से यदि वीडियो देखना है तो वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, सरकार स्टडी वेब एजुकेशन पर पूरा विस्तार से, 5.5 घंटे का वीडियो, 5.5 घंटे में आप HTML सारा इसमें सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम जो बेसिक्स हम यहाँ पे बेसिक्स को सीखने के उद्देश्य से इस वीडियो को शुरू किए थे HTML का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो HTML इससे ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये इकाई एक यहाँ पे कंप्लीट होती है, इकाई एक यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा ना कि हमने ये ऐसे टेबल वगैरह बनाने नहीं सीखे, टेबल की भी कोडिंग वहाँ पे दी गई है। आप आराम से PDF खोलेंगे, टेबल की कोडिंग आपको दी गई है, बस टैग टैग ओपन करना है, टैग बंद करना है, बीच में टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, वो हर टैग का अपना तरीका होता है, हर टैग का अपना तरीका। यदि आपको विस्तार से पढ़ना है तो वीडियो उपलब्ध है, और यदि आपको इतना पढ़ना है कि आपको 16 अंक, एक प्रश्न में 16 अंक ला ले, तो उससे संबंधित चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी हूँ, आप 8 पेज वहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, इकाई एक ख़त्म यहाँ पर होती है। अब हम पहुँचते हैं इकाई दो में। इकाई दो में क्या है, इकाई दो में है ASP.NET। ठीक है, ASP.NET के बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक,
ओवरव्यू ऑफ डायनेमिक वेब पेज, इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ ASP.NET, अंडरस्टैंडिंग ASP.NET कंट्रोल एप्लीकेशन, वेब सर्वर्स, IIS, IIS क्या होता है, वेब फॉर्म क्या होते हैं, वेब फॉर्म कंट्रोल्स क्या होते हैं, सर्वर कंट्रोल क्या होते हैं, क्लाइंट कंट्रोल, एडिंग्स कंट्रोल्स टू ए वेब फॉर्म, वेब फॉर्म में किस प्रकार से हम कंट्रोल ऐड करेंगे, बटन टेक्स्ट बॉक्स क्या होती है, लेबल क्या होते हैं, ठीक है, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए इकाई दो से लेके इकाई पाँच तक ये सारा ही क्या है, ये एक इकाई दो में है, और यहाँ पे इकाई तीन में है, इकाई चार और इकाई पाँच। तो इकाई दो से लेकर इकाई पाँच तक में सारे ही यहाँ पे इसके बारे में दिए गए हैं, ASP.NET के बारे में, ASP.NET के बारे में। तो हम यहाँ पे देखिए बार बार इस पाठ्यक्रम को हम नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि इस पाठ्यक्रम का सारा निचोड़ जो है एक PDF के तौर पे हमने उसको मर्ज कर दिया है, उसको विस्तार से हम मर्ज कर दिया है। यदि आपको सारा वीडियो देखना है तो आपको पता है चैनल पे आप जा सकते हैं, और इकाई दो से लेकर इकाई पाँच तक जो कंटेंट है वो इस PDF में यहाँ पे दिए गए, ठीक है। तो हम इस PDF को डिस्कस कर लेंगे, तो आपके इकाई दो से लेकर इकाई पाँच तक सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको बन जाएंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको बन जाएंगे। ASP.NET, हम बात करते हैं ASP.NET है क्या। ASP.NET एक वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, क्या है, वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, जो एक प्रोग्रामिंग मॉडल का व्यापक सॉफ्टवेयर है। बेसिक स्ट्रक्चर और PC के लिए मौजूद वेब एप्लीकेशन के साथ साथ मोबाइल डिवाइसेस के निर्माण के लिए भी के लिए आवश्यक विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। किसके लिए, PC के लिए मौजूद वेब एप्लीकेशन के लिए, और साथ साथ मोबाइल डिवाइस के निर्माण के लिए विभिन्न सेवाएं ये प्रदान करेगा। ASP.NET क्या है आप सभी जान गए, ASP.NET वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं ASP.NET Microsoft.NET प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट का जो .NET प्लेटफॉर्म है उसका एक हिस्सा है, और ASP.NET एप्लीकेशन कंपाइल्ड कोड है जो .NET फ्रेमवर्क में मौजूद एक्सटेंसिबल और कॉम्पैक्ट कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट का उपयोग करके लिखे गए हैं। ये कोड .NET फ्रेमवर्क में क्लासेस के पूरे हायरार्की का उपयोग कर सकते हैं, और ASP.NET एप्लीकेशन कोड निम्नलिखित में से किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, ठीक है, C#, J#, JScript और यहाँ पर विजुअल बेसिक। तो हम ज़्यादातर इस PDF में जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे या फिर जो मैं आपको बनाना दिखाऊंगा वो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे विजुअल बेसिक के अंतर्गत हम जो ये सॉफ्टवेयर है। देखिए विजुअल बेसिक क्या है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, और जिस सॉफ्टवेयर में हम इस्तेमाल करेंगे वो विजुअल स्टूडियो, क्या है, विजुअल स्टूडियो, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। और जो ASP.NET क्या है, ASP.NET वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, समझ गए आप, तीनों से संबंधित बेसिक, विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, और ये क्या है, ये एक वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है ASP.NET, ठीक है, इतना आप समझ गए। इंटरनेट पर इंटरेक्टिव डेटा ड्रिवन वेब एप्लीकेशन को प्रोड्यूस करने के लिए ASP.NET का उपयोग किया जाता है। इसमें HTML पेज बनाने के लिए और कोड को इकट्ठा करने कन्फिगर करने और मॉडिफाई करने के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, लेबल्स और बड़ी संख्या में कंट्रोल होते हैं। ये बहुत सारे कंट्रोल आप देखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स होगा, बटन होगी, वहाँ पर लेबल होंगे, और बहुत सारी बड़ी संख्या में कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ASP.NET के फीचर यहाँ पे हम देख लेते हैं, ASP.NET के फीचर, ASP.NET वेब फॉर्म इवेंट हैंडलिंग की सुविधा प्रदान करता है। ASP.NET सर्वर कंट्रोल की फैसिलिटीज़ में है, HTML सर्वर की फैसिलिटीज़ में है, वेब फॉर्म फाइल अपलोड की फैसिलिटीज़ में, कुकीज़ की फैसिलिटी, सेशन की फैसिलिटी है, डिबगिंग, डेटा बाइंडिंग डायरेक्टिव, वैलिडेटर्स, वेब सर्विसेज और अजाक्स कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी हम एक एक करके देख लेते हैं, क्या है ASP.NET वेब फॉर्म हैंडलिंग, वेब फॉर्म इवेंट हैंडलिंग, ये क्या होती है। ASP.NET वेब फॉर्म में महत्वपूर्ण फीचर इवेंट हैंडलिंग प्रदान करता है, यह हमारे एप्लीकेशन के लिए इवेंट बेस्ड मॉडल को अप्लाई कर देता है, करने देता है। ASP.NET सर्वर कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्या है, जो कंट्रोल्स है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनमें टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, बटन होते हैं, चेकबॉक्स, लिस्ट बॉक्स, लेबल्स होते हैं, और कई अन्य टूल्स शामिल होते हैं। इन उपकरणों का उपयोग करके यूजर डेटा को दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो कंट्रोल है वो मैं आपको बताऊंगा अभी किस प्रकार से ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, चेकबॉक्स या लिस्ट बॉक्स या लेबल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक मैं
जो इसका सैंपल या सिंटैक्स किस प्रकार से होता है वो आपको बता दूंगा, और सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस को पॉइंट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसमें आएगी, ASP.NET सर्वर कंट्रोल में। ASP.NET HTML सर्वर के अंतर्गत क्या है कि HTML कंट्रोल जैसे हेडर टैग, एंकर टैग और इनपुट तत्व सर्वर द्वारा प्रोसेस नहीं होते हैं लेकिन डिस्प्ले के लिए ब्राउजर पर भेज दिए जाते हैं। ये ठीक है, हेडर टैग, एंकर टैग और इनपुट जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोसेस नहीं होते लेकिन डिस्प्ले के लिए ब्राउजर पर भेज दिए जाते हैं। हेड टैग जो हेडर टैग होता है ना, हेड हमने यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे देखिए हेड हमने दिए थे, हेड टैग वहाँ पे शो नहीं हो लेकिन वहाँ पे प्रोसेस्ड हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो टाइटल है वो हमको दिख गया था। ठीक है, ASP.NET वेब फॉर्म्स फाइल अपलोड, यह एक इनपुट कंट्रोलर जिसका उपयोग सर्वर पर फाइल को अपलोड करने के लिए किया जाता है। यह उस फॉर्म पर ब्राउज बटन बनाता है जो स्थानीय मशीन से फाइल का चयन करने के लिए विंडो खोलता है। जैसे मान लीजिए हमको कुछ चीज़ अपलोड करना है कहीं पे, तो किस प्रकार से वो करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे कहीं ईमेल लिखना है, ईमेल के अलावा कोई और एग्जांपल हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ हमको अपलोड करना हो तो अपलोड की प्रोसेस क्या होती है, अपलोड की प्रोसेस वहाँ पे ब्राउज़ करते हैं हम, ब्राउज़ करने के बाद फिर फाइल की जो लोकेशन है वो हमको देना होता है, फाइल नेम देना होता है, फिर वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये बताने की क्या हो सकता है, मुझे शायद नहीं होना चाहिए, आप सभी देखे होंगे, या जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, कोई फॉर्म आप भरते हो, व्यापम संबंधित फॉर्म भरते हो या MP ऑनलाइन संबंधित फॉर्म भरते हो या MPPSC के फॉर्म भरते हो, SSC के फॉर्म भरते हो, कोई फॉर्म भरते हो, जब आप फोटो अपलोड करते हो वहाँ पे ब्राउज़ का एक ऑप्शन आता है, उससे आप समझ सकते हैं, जो फोटो जब अपलोड करेंगे तो ब्राउज़ करके आप अपलोड करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दी गई। ठीक है, ASP.NET कुकीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, कुकीज़ क्या होती है, ASP.NET कुकीज़ एक छोटा सा टेक्स्ट होता है जिसका उपयोगकर्ता विशिष्ट जानकारी को स्टोर करने के लिए किया है, उपयोगकर्ता की विशेष जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुकीज़ दे रहती हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेब पेज खोला, वेब पेज खोलने के बाद आपको कई बार वहाँ पे पॉपअप मैसेज आता है, क्या आप कुकीज़ सेव करना चाहते हैं, कुकीज़ सेव करने का मतलब है कि यदि आप उस वेब पेज पे गए तो क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे देखे या क्या क्या चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट आपको लगी, तो वो चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिक या इंपॉर्टेंट है और नहीं भी है, यदि आपने उसमें समय बिताया है तो वो कुकीज़ के तौर पे सेव हो जाती है, और जब नेक्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो बहुत ही आसानी से वो खुलेगी, बहुत जल्दी खुल जाती है। ठीक है, ये कुकीज़ हो जाता है, ये हो गया क्या कुकीज़, खाने वाली कुकीज़ नहीं है, ये ASP.NET की कुकीज़ है। ठीक है, ASP.NET सेशन, आपने सेशन आपने देखे होंगे, बहुत फैमिलियर होंगे इस शब्द से, सेशन जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म जब आप भरेंगे तो वेब पेज के अंदर तो भरेंगे, आप नेम डालते हो वहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ डालते हो, फादर्स नेम मदर्स नेम है जो भी आप डालते हो, कई बार आपने देखे होंगे कि नेट स्लो होने की वजह से या आपने जो जानकारी आप दे रहे हैं डिटेल वहाँ पर डाल रहे हैं, यदि वो आपने देर कर देते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है सेशन टाइम आउट, क्या आता है सेशन टाइम आउट, सेशन टाइम आउट या सेशन एक्सपायर्ड लिखाता है कई बार, ठीक है, सेशन एक्सपायर्ड भी लिखाता है, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो यही चीज़ें, ठीक है, ASP.NET में सेशन के अंतर्गत जो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले, ASP.NET सेशन में एक ऐसा स्टेट होता है जिसको उपयोग यूज़र की वैल्यू को स्टोर करने और रिकवर करने के लिए किया जाता है, यह एक टाइम पीरियड सेशन के दौरान एक ही ब्राउज़र में रिक्वेस्ट की पहचान करने में मदद करता है, इसका उपयोग विशेष समय सेशन के लिए वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और डिफ़ॉल्ट रूप से ASP.NET से सेशन स्टेट सभी ASP.NET एप्लीकेशन के लिए सक्षम है। तो ठीक है, आप समझ गए, ये थ्योरी है इसकी, ज़्यादा इसमें समझने लायक कुछ है नहीं। और ASP.NET डेटा बाइंडिंग यहाँ पे होती है, प्रत्येक ASP.NET वेब फॉर्म कंट्रोल डेटा बाइंडिंग मेथड को अपने बेसिक कंट्रोल क्लास से प्राप्त करता है, क्लासेस से प्राप्त करता है, जो इसे कम से कम एक क्वालिटीज में डेटा को बाध्य करने की इनहेरिटेंस कैपेबिलिटी भी देता है, इसे सरल डेटा बाइंडिंग या इनलाइन डेटा बाइंडिंग के रूप में जाना जाता है। ASP.NET डिबगिंग यहाँ पे देखते हैं, डिबगिंग डेवलपर्स को देखने की अनुमति देता है कि कोड स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे काम करता है और वेरिएबल की वैल्यू कैसे बदलता है, जब यह साइट को पहली बार एग्जीक्यूट करता है तो विजुअल स्टूडियो एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करता है कि डिबगिंग के लिए सक्षम होना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये डायरेक्टिव वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैलिडेटर्स होते हैं, वैलिडेटर्स चेक करने के लिए होते हैं, वैलिडेटर्स क्या होते हैं, चेक करने के लिए होते हैं, जैसे मान लीजिए जो डेटा आपने इनपुट किया उसको वैलिडेट करेंगे, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, जैसे आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप कहीं एडमिशन के लिए जाते हो तो पहले आप फॉर्म अप्लाई करते हो, फिर बाद में एक प्रोसेस होती है कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए आपको बुलाया जाता है, तो वेरीफाई के लिए जब आप
आपको बुलाया जाता है तो वो क्या होता है, वैलिडेट कर रहे होते हैं वो सही चीज़ आपको, सही चीज़ वो है कि नहीं, आपने जो जानकारी दी वो सही है कि नहीं। वैसे ही हम जब वेब फॉर्म में बात करेंगे तो वेब फॉर्म में वेब पेज के अंदर या वेब फॉर्म के अंदर जो चीज़ें हम इनपुट करेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर फील्ड है, मान लीजिए नेम है, ठीक है, नेम है, तो नेम की जगह आप मान लीजिए मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, तो वहाँ पे चेक करेगा ना, क्योंकि ये नेम तो किसी का मोबाइल नंबर तो नाम हो नहीं सकता है, तो इस प्रकार की चीज़ें वो चेक करेगा। जैसा और जैसे मान लीजिए पासवर्ड आप डाल रहे हो, ठीक है, पासवर्ड पहला पहले पहली बार आपने डाले, फिर एक रीटाइप पासवर्ड भी आता है ना जब पासवर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यू पासवर्ड जैसे आप बना रहे हो, न्यू पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड, ठीक है, तो वो दोनों को चेक करेगा दोनों सही है कि नहीं, ठीक है, इसलिए वो दो बार टाइप करवाता है, ठीक है, वो कंपेयर करने के लिए कंपेयर करता है कि किस प्रकार से वो, मतलब वो दोनों चीज़ें सेम है कि नहीं। इसी प्रकार बहुत सारे वैलिडेटर्स होते हैं, जैसे हम बात करें रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर, आवश्यक है, जैसे मान लीजिए कई बार होता ना फॉर्म भरते टाइम आप देखते हैं कि आपने कोई फील्ड छोड़ दी होते हैं, तो वहाँ पर स्टार मार्क बन के आता है, स्टार मार्क बन के आता है, मतलब स्टार मार्क इसलिए आता है कि वो उसको करना ही करना है, उस फील्ड को भरना ही भरना है, ठीक है। रेंज वैलिडेटर, रेंज आप जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको, या इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या फिर कोई किसी संख्या के बीच की रेंज आपको देना है, तो रेंज वैलिडेटर का उपयोग आप करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर का उपयोग आप कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप ईमेल लिख रहे हो, ठीक है, ईमेल लिखने का तरीका क्या क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई नाम है SSSS ऐसा कुछ नाम लिख दीजिए, 405 या ऐसा कुछ लिख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे तो ईमेल जब आप लिख रहे हो तो @ आपका आएगा, @ फिर gmail.com, या फिर जिस कंपनी से आप सर्विस ले रहे हो उसका नाम आ जाएगा। एक्सप्रेशन वेब में कैसे होगा ये दे दीजिए, ऐसा मान लीजिए abc@gmail.com, जीमेल की स्पेलिंग gmail.com, ठीक है, ABC कैपिटल हो सकते हैं, फिर स्मॉल भी आप लिख लो @gmail.com, तो ये एक्सप्रेशन हो गया इसका gmail.com, तो ये इस एक्सप्रेशन में ही आपको लिखना होगा ईमेल, ठीक है, इस यहाँ पे जीमेल की जगह आपका याहू मेल हो सकता है, या हॉट मेल हो सकता है, या जो भी मेल, रेडिफ मेल हो, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो XYZ यहाँ पे, लेकिन फॉर्मेट तो यही रहेगा, आप यहाँ पे ये लिखेंगे, टेक्स्ट यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ पे @ आएगा, फिर यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन इस प्रकार से लिखते हैं क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर ये चेक करता है कि आपने लिखेंगे, जैसे मान ली ईमेल आईडी उसने मंगा और आपने सही नहीं दिए, या मतलब फॉर्मेट आपने गलत कर दिए, फॉर्मेट गलत कर दिए तो वो बता देगा कि ये भी आप गलत कर रहे हैं। कस्टम वैलिडेटर होते हैं और वैलिडेशन समरी वगैरह होती है, समरी आप जैसा मान लीजिए आपने फॉर्म भरे कुछ चीज़ें आपको दिखे तो आप समरी दिखा देंगे कि आपने, आपका नाम ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, मतलब आप जब भरेंगे तो वहाँ पर समरी को आप वहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, ये वैलिडेटर होते हैं। वैलिडेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप डेटा वहाँ पर डालोगे, इनपुट दोगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको चेक करें, पहले ही चेक कर लें, ठीक है, तो वो उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है यदि आप पहले ही चेक कर लेते हैं उसको, ठीक है, तो ये वेब पेज कर लेता है चेक इन वैलिडेटर्स की सहायता से। ASP वेब सर्विसेज जो यहाँ पे है, एक वेब वेब सर्विस वेब एप्लीकेशन द्वारा उपयोग की जाने वाले वेब प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब आधारित कार्य क्षमता तक पहुँच जाती है, और वेब सर्विसेज डेवलपमेंट के तीन एस्पेक्ट होते हैं, क्रिएटिंग वेब सर्विसेज, क्रिएटिंग अ प्रॉक्सी, और कंज्यूमिंग वेब सर्विसेज, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। अगला है यहाँ पे ASP अजाक्स कंट्रोल, अजाक्स असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML के लिए स्टैंड्स है, और यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है जो प्रोसेसिंग टाइम को गति देती है, और अजाक्स सर्वर उस पेज पर स्क्रिप्ट को जोड़ता है जिसे ब्राउजर द्वारा एग्जीक्यूट और प्रोसेस्ड किया जाता है, तो यह है अजाक्स कंट्रोल, ठीक है। वेब पेजेस क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, वेब पेजेस बनाना और ये किस प्रकार से होते हैं। HTML में हमने, आप HTML हमने देखा वेब पेज बनाना, अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे जो जो वेब पेज हम इस सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाएंगे, या फिर हम जो भी जिस भी तरीके से हम बनाएंगे तो वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम देखते हैं, वेब पेज के बारे में, वेब पेज स्पेस लगा के यहाँ पर लिखा है, इंटरनेट पर उपलब्ध एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे इंटरनेट से जुड़ा हुआ कनेक्टेड प्रत्येक व्यक्ति वेब ब्राउजर की सहायता से देख सकता है। वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट भी हम कहेंगे, क्या कहेंगे, वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट, और वेब पेज एक HTML डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि वेब पेज को मुख्यतः HTML में ही लिखा जाता है, और
HTML भाषा के अलावा इन्हें अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में भी लिखा जाता है। दुनिया का पहला वेब पेज अथवा HTML डॉक्यूमेंट टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1991 में बनाया गया था। यह पहले वेब पेज को लिखने के लिए HTML भाषा का उपयोग किया गया था और आज भी इस भाषा का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, स्टैटिक वेब पेज होता है, डायनेमिक वेब पेज होते हैं। ये वेब पेज के बारे में हमने अभी HTML में डिस्कस कर लिए हैं, तो ये मुझे बताने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ASP.NET एप्लीकेशन यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है। प्रत्येक वेब एप्लीकेशन का एक वेल प्लान्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? वेल प्लान्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ASP.NET फ्रेमवर्क द्वारा क्रिएट किए जाने वाले डिफॉल्ट डायरेक्टरी सिस्टम से भिन्न होता है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से भिन्न होता है। और ASP.NET फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्रिएट होने वाले विभिन्न डिफॉल्ट डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी का एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है और प्रत्येक डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी का एक स्पेशल मीनिंग यहाँ पे होता है। विन डायरेक्टरी होती है, ऐप कोड डायरेक्टरी होती है, ऐप ग्लोबल रिसोर्स डायरेक्टरी होगी और ऐप लोकल रिसोर्स डायरेक्टरी होती है। और ये बहुत सारी डायरेक्टरी यहाँ पे दी गई है, हर एक का अपना यहाँ पे महत्व है, तो आप इसकी थ्योरी आप देख सकते हैं। ठीक है, विन डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी के अंतर्गत हमारे वेब एप्लीकेशन से संबंधित सभी प्री कंपाइल्ड .NET असेंबली फाइल्स होती है जो कि सामान्यतः DLL फॉर्मेट में होती है। कैसा? DLL फॉर्मेट में होती है, .DLL से हम इसको लिखते हैं। ऐप को डायरेक्टरी क्या होती है? इस डायरेक्टरी में हमारे वेब एप्लीकेशन की वे सोर्स कोड फाइल कंटेन होती है जो हमारे वेब एप्लीकेशन में यूज़ होने वाले डायनेमिक कंपाइल्ड होती है, यूज़ होने के लिए डायनेमिक कंपाइल्ड होती है, डायनेमिकली कंपाइल्ड होती है। और यहाँ पे ऐप ग्लोबल रिसोर्स डायरेक्टरी यहाँ पे है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थ्योरी में आप लोग देख लेना है, इसको डिस्कस करने की आवश्यकता यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे है। अब देखो वेब सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरी दुनिया है हमारी, पृथ्वी, और यहाँ पे इसमें सर्वर वगैरह ये दिए गए, इसको पढ़ेंगे हम। एक वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा वेब डेटा को सर्व करता है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल शब्द का अर्थ आप यहाँ समझिए, प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम कानून। जैसे मान लीजिए रोड में चलने के नियम कानून होते हैं, ठीक है, हम जब यदि भारत में है तो भारत में जो नियम है, हम अपने लेफ्ट साइड से चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं, ठीक है, तो ये नियम है। यदि राइट हैंड साइड से आप जाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, और यदि आप सिटी एरिया में है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाओगे, धर लिए जाओगे। पुलिस यदि नहीं भी आई तो वहाँ पर जो चलने वाले लोग हैं वो आपको इतना कुछ बोल देंगे कि आप दोबारा रॉन्ग साइड में नहीं चलोगे, ठीक है। तो ये नियम कानून होते हैं, नियम कानून फॉलो करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स जो होते हैं इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल होते हैं, उन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ही हम जो है ये जो वेब पेज है वो डेटा को सर्व करता है, जो वेब पेज है वो डेटा को सर्व करता है इन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ठीक है। वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम है जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा वेब डेटा को, वहाँ पर जो भी डेटा है उसको सर्व करता है, वो आपको उपलब्ध करा। जैसे मान लीजिए हमने वेबसाइट में सर्च किए गूगल, तो गूगल में हम कुछ रिक्वेस्ट डालते हैं, वहाँ उसका जो सर्वर है वो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करेगा और वहाँ से चीज़ें हमको सर्व करेगा, हमको जानकारी उपलब्ध कराएगा, ठीक है। जो यूज़र्स उनसे अनुरोध करते हैं, जिनके कंप्यूटर के HTTP क्लाइंट्स द्वारा फॉरवर्डेड किया जाता है, और डेडिकेटेड कंप्यूटर और अप्लाइंसेस को वेब सर्विसेज के रूप में रेफर किया जा सकता है। वेबसाइट होस्ट करने वाले सभी कंप्यूटर्स में वेब सर्वर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और प्रमुख वेब सर्वर में अपाचे सबसे व्यापक रूप से स्थापित वेब सर्वर है, और माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS और NGINX से लेकर NGINX शामिल है। ये तो वो हो गया, NGINX से लेकर NGINX शामिल है, और अन्य वेब सर्वर में नोवेल के नोटवेयर सर्वर, गूगल वेब सर्वर और IBM के डोमिनो सर्वर के परिवार इसमें शामिल है। टाइप्स ऑफ वेब सर्वर क्या है? IIS वेब सर्वर, अपाचे वेब सर्वर, NGINX वेब सर्वर और लाइट स्पीड वेब सर्वर। यहाँ पे देखिए ये वेब सर्वर IIS सर्विसेज, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है IIS वेब सर्विसेज। इसको हम कैसे ऑन करेंगे हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे देख लेंगे इसको ऑन कैसे करना है IIS सर्विसेज। उसके बाद ही आपके जो ASP.NET से संबंधित ASP.NET में आप जब फॉर्म बनाएंगे तो वो उसके बाद ही रन होगा, यदि IIS ऑन नहीं होगा तो आपका वेब पेज या वेब फॉर्म वहाँ पे रन नहीं होगा, ठीक है।
आईआईएस जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है वो क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए। आईएएस एक माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इस सर्वर में अपाचे की तरह सभी फैसिलिटी होती है और यह सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म यानी विंडोज जिसमें भी है, जैसे विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, या फिर विंडोज में जो 8.17 है आपका जो भी है, तो वहाँ पे ये आईएएस सर्विसेज यहाँ पे होती है, इसके साथ ही काम करता है। लेकिन यह एक ओपन सोर्स नहीं है और इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को इस पर ऐड करना आसान नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन करना बहुत मुश्किल काम होता है जो आईएएस सर्विसेज है इसमें, ठीक है। ASP.NET IIS हम देखेंगे। कोई भी वेब एप्लीकेशन हमेशा किसी न किसी वेब सर्वर के अंतर्गत ही होस्टेड होता है और किसी ASP.NET एप्लीकेशन को होस्ट करने या करने का काम सामान्यतः माइक्रोसॉफ्ट के IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा किया जाता है। इसको होस्ट कौन करेगा? IIS। अब इसको इंस्टॉल हम कैसे करेंगे IIS को? यहाँ पे देखिए एक तरीका होता है इसको इंस्टॉल करने का। सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल पर जाएंगे। ये मैं यहाँ पे विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो, और यहाँ पे विंडोज़ का कौन सा वर्जन? विंडोज़ 10 वर्जन है। कंट्रोल पैनल पे हम जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम है इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम से में आएंगे, इसमें सबसे पहले देखिए, फिर से देख लीजिए। कंट्रोल पैनल पे हम गए। कंट्रोल पैनल के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल है प्रोग्राम, यहाँ पे चले गए। यहाँ पे देखिए टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ, ठीक है। टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ यहाँ पे दिए गए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस कौन सी चीज़ आपको ऑन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिखा हुआ है, ये देखिए, ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो IIS यही तो है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। IIS ये है, ठीक है। हम यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन में जाएंगे। FTP सर्वर यहाँ पे वेब मैनेजमेंट टूल्स हैं, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड सर्विसेज हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे क्या, यहाँ पे वेब मैनेजमेंट टूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड और फोर्थ नंबर का है IIS मैनेजमेंट कंसोल, यहाँ पे आपको टिक करना है, और ये कौन सा है IIS मैनेजमेंट सर्विस, ये दोनों पर टिक करना, ठीक है। इतना कर लो आप तो यहाँ पे आपकी IIS सर्विसेज ऑन हो जाएगी। इसको चेक करने का तरीका क्या है? जैसे ये ऑन हो गई, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेब ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे हम एड्रेस बार में डालेंगे लोकल होस्ट, क्या डालेंगे? लोकल होस्ट। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए, क्लिक करने पर ये खुल गया, आ गया इंटरनेट इंफ्रेंस सर्विसेज, तो ये आपको यहाँ पे शो हो गई। तो इस प्रकार आप इसको ऑन करेंगे IIS किसी भी विंडोज़ जो विंडोज़ सिस्टम रहता है उसमें, ठीक। विंडोज सिस्टम में आप इस प्रकार से IIS सर्विसेज ऑन करेंगे। ये यदि आपसे पूछा जाए या फिर आपको आप लिखेंगे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कंट्रोल पैनल में आएंगे, फिर ये प्रोग्राम में आएंगे, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ यहाँ पे कर लेंगे, तो ये IIS जो लोकल होस्ट वेब सर्विस वेब ब्राउजर के अंदर आ जाएगी, तो ये सर्विसेज आपके यहाँ पे ऑन हो जाएगी IIS सर्विसेज, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ASP.NET कंट्रोल्स के बारे में। कंट्रोल बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं क्योंकि कंट्रोल के द्वारा ही हम वेब पेजेस में किसी भी चीज़ का इनपुट लेंगे या कोई भी चीज़ हम यहाँ पे काम करेंगे। ASP.NET कंट्रोल ASP.NET फ्रेमवर्क का हार्ट है। यहाँ पे देखिए ये हार्ट है इसका, क्या है ये हार्ट? लाल कलर का हार्ट बनाया गया या नीले कलर के भी चलेगा, लाल कलर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लाल कलर हम लेते हैं। ASP.NET कंट्रोल क्या है? हालांकि हार्ड थोड़ा आड़ा तेड़ा बन सकता है, कैसा का हार्ड बना दिया, समझ गया आप बेसिकली कहने का चाह रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? इसका हार्ट है, हार्ट हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन बना दिया गया, ठीक है, समझ जाओ। तो यहाँ पे ASP कंट्रोल ASP.NET फ्रेमवर्क का हार्ट है। हार्ट मतलब ये बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा ही हम करेंगे। जैसे हमारे मानव शरीर में देखें तो हार्ट यदि रुक जाए तो काम तो ख़त्म है ना, ये हार्ड नहीं हो तो काम तो एकदम खत्म खत्म वाला सीन रहता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ASP.NET में कंट्रोल्स ना हो तो वेब पेज हम नहीं बना पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या है, हम बना ही नहीं पाएंगे कुल मिला के कंट्रोल ये थी। तो यहाँ पे हार्ड यहाँ पे दिए गए। ASP.NET कंट्रोल का एक .NET क्लास है जो सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है और ब्राउजर में कुछ सामग्री प्रदान करता है। ASP.NET फ्रेमवर्क में 90 से अधिक कंट्रोल शामिल है जो आपको डेटाबेस रिकॉर्ड को सूची प्रदर्शित करने से लेकर बेतरतीब ढंग से बैनर विज्ञापन प्रदर्शित करने तक सब कुछ करने में सक्षम बनाते हैं ASP.NET कंट्रोल, ठीक है। वेब फॉर्म में ASP.NET कंट्रोल्स को जोड़ना यहाँ पे देखेंगे हम। ASP.NET में टेक्स्ट बॉक्स और लेबल जैसे फॉर्म पर कंट्रोल जोड़ने की क्षमता है। उदाहरण के लिए हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें निम्नलिखित कार्य क्षमता होगी। उपयोगकर्ता अपना नाम दर्ज करने की क्षमता रखेगा, उसमें उस शहर को चुनने की का विकल्प जिसमें रहता है। उपयोगकर्ता के लिए लिंक के लिए एक विकल्प दर्ज करने की क्षमता, एक कोर्स चुनने का विकल्प जो उपयोगकर्ता सीखना चाहता है। ये बेसिकली एक वेब फॉर्म बनाने की वेब फॉर्म को क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे दी गई है, उसके हिसाब से आपको बनाना है। यहाँ पे टूल बॉक्स होते हैं, ये टूल बॉक्स
ये यहाँ पे होते हैं, ये देखिए टूल बॉक्स के अंदर ये कंट्रोल वगैरह दिए हैं। तो पहले तो हम इसको समझने के लिए पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो जो जिस सॉफ्टवेयर में हम इसको ओपन करेंगे वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ध्यान रहे ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता है ना, विजुअल स्टूडियो क्या है, विजुअल बेसिक क्या है, ASP.NET क्या है, वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म क्या है, ASP.NET है, विजुअल स्टूडियो क्या है, सॉफ्टवेयर है, और जो एक चीज़ और जो मैंने बताया था विजुअल बेसिक है वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका हम इसको ओपन करेंगे, ये 2012 वाला वर्जन है आपके कंप्यूटर में शायद हो, या आपने इंस्टॉल किए होंगे, या आप इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट में हम जाएंगे। ठीक है, ये स्टार्ट पेज में, स्टार्ट पेज आ गया, यहाँ पे मीनूज वगैरह है, हम कहाँ पे आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे। हमको यहाँ पे देखना है ये टेम्पलेट के अंतर्गत विजुअल बेसिक की टेम्पलेट यहाँ पे दी गई है, विंडोज स्टोर, विंडोज या फिर वेब। तो हमको क्या करना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वेब में, और यहाँ पे देखिए हमको एम्प्टी वाला बनाना है। ये और भी चीज़ यहाँ पे दी गई लेकिन हमको उसको चूज़ नहीं करना है, अभी ये सिलेक्ट नहीं करना है, हमको एम्प्टी वेब एप्लीकेशन बनाने हैं। यहाँ पे एम्प्टी वेब एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं, कहाँ पे आपको लोकेशन सेव करना है, और सॉल्यूशन का नेम भी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का नेम यहाँ पर डाल देंगे, ओके करेंगे। ओके करने पर ये कुछ थोड़ा सा समय लेगा, ओके कर दो। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये खुल चुका है। ठीक है, हम प्रोजेक्ट के अंदर जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये विंडो के बारे में आपको बता देता हूँ, वेब एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या प्रॉपर्टी विंडो है, और ये टूल बॉक्स यहाँ पे देखिए। हम यहाँ पे फॉर्म ऐड करेंगे, सबसे पहले फॉर्म कैसे ऐड करेंगे, प्रोजेक्ट मेनू में जाएंगे, ऐड न्यू आइटम करेंगे, ऐड न्यू आइटम में ये देखिए विजुअल बेसिक के अंतर्गत ये वेब फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट है पहले से, क्योंकि हमने पहले चूज़ किया तो वेब फॉर्म आ गया, या नहीं भी चूज़ हो तो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। ये वेब फॉर्म आप यहाँ पे कर लेंगे, वेब फॉर्म का नाम यहाँ पे दिए गए। ठीक है, वेब फॉर्म का नाम यहाँ पे आप सेव कर लेंगे, और .aspx यहाँ पे एक्सटेंशन है इसका क्या है, .aspx इसका क्या है एक्सटेंशन है, तो ये आप ऑटोमेटिक आता है, आप इसको सेव रखेंगे। या वेब फॉर्म वन की जगह आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, हम यहाँ पे वेब फॉर्म वन ही रहने दे रहे हैं, ऐड कर दिए। ठीक है, ये आ गया हमारा वेब फॉर्म, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने डाल दी क्या, लेबल डाल दी, सबसे पहले क्या डाल दी हमने, लेबल। ठीक है, लेबल डालें तो यहाँ पे लेबल संबंधी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई, ये देखो लेबल की संबंधी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टेक्स्ट क्या लिखे, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नाम आ गया, लेबल आ गया। ठीक है, और हम जैसे मान लो एक और लेबल यहाँ पे डाल दिए, कंट्रोल जेड करो इसको, इंटर मारो, एक मिनट इसका कुछ चेंज हुआ है कि कुछ दिक्कत हुई, रुको फिर से डाल लो, लेबल डाल दो, लेबल ये हो गया, लेबल हम यहाँ पे डाल दिए, लेबल डाल दिए, फिर यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नेम चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप और लेबल वगैरह ले सकते हैं, लेबल ले लिए, फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ले लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ गया, टेक्स्ट बॉक्स इधर गए, ये हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ला देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे कर लो, ये लेबल वगैरह है, इसको ऐसे खींच के यहाँ पे नीचे कर लो। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके, ये यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये लेबल हो गया। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, लेबल में आप क्या डाल देंगे, यहाँ पे आप डाल देंगे नेम, क्या डाल देंगे यहाँ पे, नेम, यहाँ पे नेम के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया, इतना सिर्फ इतना देख लो आप, जो बाकी कंट्रोल के बारे में आप आसानी समझ जाओगे जब आप इसको इस्तेमाल करोगे, या फिर जब आप इस इंटरफेस में आओगे। ठीक है, इसको लाते कैसे, रन कैसे करते, बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये डिबगिंग इसकी करेंगे, डिबग करेंगे, देखते हैं ओपन होता है क्या। ये देखिए आ गया, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो गई है, और ये मतलब ये नाम शो हो गया, नेम यहाँ पे शो हो गया, और ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं।
ठीक है, ये बेसिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना सिंटैक्स किस में, HTML में, वैसे सिंटैक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये सिंटैक्स आपको यहाँ बता दिया हूँ, यहाँ पे जब 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 आप इसमें दोबारा एडिट करेंगे तो यहाँ पे पहले इसको पॉज करना होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको पॉज करना होगा, ठीक है, समझ गए। वैसे यहाँ पे ये बहुत सारे कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, इमेजेस कंट्रोल है, लेबल लिस्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है। रेडियो बटन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब दो चीज़ें दी गई, दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करना, ठीक है, या तो हाँ या तो ना, ठीक है। ये चीज़ें, ये कैलेंडर कंट्रोल, कैलेंडर कंट्रोल वगैरह, ऐसे मान लो आपको यहाँ पे दिया है चेक बॉक्स है, आपको दिया है, मैं ऐसे ला के दिखा देता हूँ, जैसे चेक बॉक्स ये दिया एक दो और ये चेक बॉक्स तीन, ठीक है। मान लो आपने क्या किया हो, 10th आपकी यदि योग्यता पूछी जाए कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आपने 10th किए हो, क्या आपने 10वीं पढ़े हो, यहाँ से मान लो यहाँ पे 10th लिखा है, 10th किए हो, यदि यहाँ पे आया एक मिनट, शायद ये प्रॉपर वैलिड प्रॉपर नहीं है, टेंथ एक मिनट, टेंथ लिखा नहीं आ रहा है क्या, 10th नहीं लिख पा रहे हैं, या कुछ और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख के देंगे, हाँ ये आ गया 10th, 10th की इस प्रकार से आ गया 10th है ना, 10th यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम 12th लिख लेते हैं, 12th, 12th की स्पेलिंग शायद आप देख लेना, शायद मिस्टेक हो सकती है मेरे से, मैं स्पेलिंग आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, एक ये हो गया ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये देखो, यदि आपको आपसे पूछे शैक्षणिक योग्यता क्या आपकी, तो यहाँ पे आप 10th किया आपने, 10th आप लगा देंगे, यहाँ पे देखो हम अंदर जाते हैं, इसको डिबग करते हैं, फॉर्म खोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो वहाँ पे शो नहीं हुआ क्या, लेवल में हमने डाले चेकबॉक्स का नाम डाले थे हम, हमको वहाँ पे लेवल भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रह गई है, वहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ये लेवल 1 है, ये यहाँ पे 10th है, 12th है और ये ग्रेजुएशन है। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि आपको यहाँ पे दिक्कत होगी कि ये कौन सा चूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चेक बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस में हम यहाँ पे देखेंगे कि फिर वहाँ पे लेवल वगैरह लेके हम इसको लिख लेंगे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे वेब पेज मतलब किस प्रकार से बनता है, कैसे कंट्रोल यहाँ पे आएंगे, किस प्रकार ये होगा, ये सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रोग्रामिंग हम मतलब वैसे ही नहीं करेंगे जैसी होती है, कि आपको वेब डेवलपर मैं आपको बनाना बना दूँ, वैसा इस वीडियो में नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई है, ये कंट्रोल वगैरह आ गए, ये कंट्रोल आपने देख ली, ठीक है, ये कंट्रोल आपने देख ली, ये देखो ये टूल बॉक्स वगैरह, ये कंट्रोल बहुत सारे, वैलिडेशन कंट्रोल है, नेविगेशन कंट्रोल है, अजाक्स कंट्रोल है, यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, इससे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ASP.NET तो ये हो गया, कंट्रोल वगैरह, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह मैंने आपको बता दिया कैसे वैलिडेट करते हैं, डेटा का इनपुट वगैरह कैसे चेक करते हैं। वैलिडेशन दो प्रकार से होता है, क्लाइंट साइड होगा और सर्वर साइड हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन यहाँ पे कैसा होगा, क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज़ गुड बट वी हैव टू बी डिपेंड ऑन ब्राउजर एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सपोर्ट, ठीक है। ये क्लाइंट साइड क्लाइंट की तरफ से तो सही है, लेकिन हमको करना पड़ेगा, जो ब्राउज़र की तरफ से जो वैलिडेशन आता है उस पर भी हमको डिपेंड रखना पड़ेगा। कई बार हम गलती कर देते हैं तो ब्राउज़र हमको बता देगा कि ये इसको ऐसे करना है, ठीक है। सर्वर साइड वैलिडेशन, सर्वर भी चेक करेगा, मान लो आपको कोई कोई चीज़ आपको आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कैसे करेंगे कि चीज़ आपको जब सर्वर से रिक्वेस्ट करना, तो जब मान लीजिए आप क्लाइंट है, क्लाइंट जब आप इनपुट देंगे तो वो पहले वहाँ पे चेक होगा ब्राउज़र के द्वारा, फिर वहाँ पे वो सर्वर में भी चेक होगा, फिर चीज़ें चेक करेंगे, यदि आपकी रिक्वायर्ड वैलिड है तो वैलिड है, और यदि सर्वर उसको करने में सक्षम है, आपको प्रदान करने में सक्षम है, तो चेक करेगा, फिर आपको सर्विस दे देगा, ठीक है। तो ये सर्वर साइड वैलिडेशन भी यही है, ये अंग्रेजी में जो लिखा है आप समझ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। वैलिडेशन कंट्रोल्स यहाँ पे है, रिक्वायर फील्ड वैलिडेशन चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर मतलब आवश्यक है, जैसे मान लो नेम आपके फॉर्म भर रहा है और वहाँ पर आप एक फील्ड दी गई नेम, आपने नाम ही नहीं भरे, तो वो दिखाएगा ना, रेड स्टार दिखा देगा वो ऐसे करके, और बोलेगा कि इसको भरना ही भरना है। रिक्वायर फील्ड वैलिडेशन, कंपेयर कंट्रोल वैलिडेशन, कंपेयर कंट्रोल वैलिडेशन मतलब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपको देना है क्या,
या भरना है आपको पासवर्ड वगैरह भरना है या फिर कुछ और भरना है तो दो बार आपको भरना होगा। फिर आधार कार्ड मान लो भरना है तो मान लीजिए दो बार आपको भरवा रहा है तो वो कंपेयर करेगा दोनों की सही है कि नहीं, ठीक है, होसा वासा व्यक्ति है कि नहीं दोनों बार में, ठीक है। रेंज कंट्रोल वेरिएटर, इसमें रेंज चेक होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, एट द रेट वगैरह आपको बताया था, ईमेल संबंधित कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल हम कर सकते हैं, और वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी में क्या होगी कि वैलिडेशन समरी में जो भी वेब पेज में हमने डाले हैं वो उसका एक फॉर्म आपको मिल जाए किस प्रकार से चीज़ें होती है। जैसे ये देखिए इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन संबंधित ये एक वेब पेज बना हुआ है। नेम है यहाँ पे, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, री एंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर है, ईमेल और सैलरी, ठीक है। नेम में आप यहाँ पे यदि नेम को ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये क्या आएगा, प्लीज एंटर नेम, ठीक है। यूज़र नेम यहाँ पे, यूज़र नेम यदि आप नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज एंटर यूज़र नेम। पासवर्ड यदि आप यहाँ पे डालेंगे एक बार डालेंगे प्लीज एंटर पासवर्ड, देखो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन तो यहाँ पे सब में ही लगा हुआ है, रिक्वायर्ड मतलब सभी भरना हो सके, यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते कुछ। पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे प्लीज एंटर कैपिटल स्मॉल स्पेशल सिंबल के साथ, और सेम टू सेम पासवर्ड यदि आप यहाँ पर डालेंगे तो सही है, नहीं तो ये मिसमैच दिखा देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपेयर वैलिडेशन का वैलिडेटर कंट्रोल यहाँ पे लगा हुआ, कंपेयर करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस प्रकार से ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप सही नहीं डालेंगे तो वो बोलेगा भैया क्या डाल दिया आपने, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो इसमें होते हैं, इसमें भी हो जाएगा, ईमेल में भी आप यदि गलत ईमेल डालेंगे तो ये बोलेगा भी अच्छे से डाल दो यार कैसा कर रहे हैं करके, ठीक है। सैलरी यहाँ पर डालेंगे तो प्लीज एंटर वैलिडेटर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वैलिडेशन कंट्रोल के बारे में, आप यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दी गई है, और कंट्रोल वगैरह एरर मैसेज, फॉन्ट कलर, फॉर कलर, ये साइज वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन कंट्रोल ये देखिए, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन कंट्रोल, ये आईडी वगैरह किस प्रकार से दी जाती है। हालांकि इतना समय तो है नहीं कि आपको मैं इतना डिटेल में समझाऊँ, यहाँ पर हम यहाँ पर रिविज़न कर रहे हैं तो रिविजन संबंधी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, कंपेयर्ड कंट्रोल, ये देखो जो मैंने चीज़ें आपको बताया ना यहाँ पे, जो फर्स्ट वाले इसमें बताया कि कौन कौन से कंट्रोल वैलिडेटर यहाँ पे लगे हुए हैं उसी के बारे में यहाँ पे ये आगे की स्लाइड में डिस्क्राइब हो रहा है कि रिक्वायर्ड कंट्रोल कैसे हो रहा है, ठीक है, रिक्वायर्ड कंट्रोल कैसे, कंपेयर कंट्रोल कैसे हो रहा है, ठीक है। इसकी कोडिंग वगैरह दी गई, तो कोडिंग अभी आप समझने की स्थिति में नहीं है, तो ये हो जाएगा। यदि आपने पढ़े हो, मैं ये नहीं बोलूँ समझने की स्थिति में नहीं है तो आपको नहीं चाहिए, यदि आपने क्लासेस लगाए हो तो आप आसानी से समझ सकते हो इसको, ठीक है। ये तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, आप ज्वाइन कर लीजिए, ये आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपने नहीं पढ़े हो 6 महीने और आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हो और इस रिविज़न वीडियो में, तो आपको मैं चाहूँगा कि कोडिंग के अंतर्गत आप कोडिंग में अपना जाए, क्योंकि वहाँ पे बेसिक्स यदि थोड़ा मत भी आगे पीछे करते हो तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप जो डिटेल है वो आप पढ़ लें, इसका बेसिक्स पढ़ लें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन कंट्रोल वगैरह ये हो गया, ये बहुत सारे कंट्रोल यहाँ पे हैं जो हमने देखे, ठीक है। कैलेंडर कंट्रोल वगैरह है, कैलेंडर आप डाल सकते हैं, एड रोटेटर कंट्रोल है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें, रनिंग वेब एप्लीकेशन किस किस प्रकार रन करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने लगभग डिस्कस कर ली हैं, इसको समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। अब हम यहाँ पे देखते हैं XML, ये लगभग लास्ट इकाई में हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम में यदि हम जाएँ तो ये देखो ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं, और यहाँ पर ये हम जाएंगे कहाँ पर, XML इकाई 5 में हम आ चुके हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें एक दो रह गई होगी तो हम इसी PDF में डिस्कस कर लेंगे आगे, लेकिन लगभग सारा हो चुका है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, XML क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसको डेवलप किसको द्वारा किया गया है, W3C। HTML की जो लिमिटेशन है उसको पूरा करती है कौन, XML। HTML की लिमिटेशन कौन पूरा करेगी, XML, ठीक है। और XML डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाती है, किसके लिए यूज़ किया जाती है, डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल ये की जाएगी। HTML एक बहुत ही पॉपुलर और बड़ी लैंग्वेज है। HTML में 100 से भी ज़्यादा टैक्स है, इन सभी टैक्स को याद रखना और यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको HTML पढ़ाते टाइम सारे टैक्स नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है, हमने लिख भी दिए, लिख के दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे आप। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर साथ ही HTML का प्रेजेंटेशन ब्राउजर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और HTML में एक प्रॉब्लम ये है, HTML में एक प्रॉब्लम ये और है कि कई बार आप डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल कंटेंट से ज़्यादा तो टैग हो जाते हैं, ओरिजिनल कंटेंट छोटा सा रहता है, जैसा मान लो ये देखो हमने जो कंटेंट बनाया था उसी को देख लो ना, इतने सारे टैग लिखे और हमने यहाँ पर कराया क्या, 1-2-3 लाइन बस लिखे हमने काम की, ठीक है। तो ये समस्या है ना, मान लो इतना सारा हमने
बनाया चीज़ें, मान लो अच्छा वाला अपना ट्रक लेके आए हैं और ट्रक में एक बाल्टी पानी लेके आ रहे हो, ट्रक में एक बाल्टी में पानी रख के ला रहा, तो वो मतलब उस टाइप से चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये हेलो हेलो इंडिया वेलकम और ये तीन चीज़ें हमने जो लिखी है ना, समझ रहे, या फिर एक मुट्ठी चावल चावल रख के ला रहा है उसमें इतना बड़े ट्रक में, तो ये चीज़ें सही नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब समझाने का तरीका ये है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसके जो लिमिटेशंस है वो यहाँ पे बता रहा हूँ, जो यहाँ पे जो आपको लिखना भी है। ठीक है, आप ये मत लिखना कि एक ट्रक में वो लेके आ रहे हैं, मैं समझाने के लिए बताया आपको यहाँ पे इस भाषा में लिखना है। ठीक है, और इन सभी प्रॉब्लम्स को XML के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश की गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि XML HTML को रिप्लेस करती है, रिप्लेस नहीं करेगी, या रिप्लेस कैसे कर देगी, ये तो इसका आधार है ना, ऐसा हमने पढ़े, इसको रिप्लेस नहीं करेगी, वो ऐड कर देगी। ठीक है, और नियर फ्यूचर में भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि HTML रिप्लेस हो जाए, XML उसके साथ काम करेगी पर वो नहीं, उसको हटाएगी नहीं। HTML को XML और HTML कंबाइन करके यूज़ किया जा सकता है, और XML और HTML के ये कंबाइंड वर्जन को XHTML कहेंगे। ठीक है, XHTML, एक्स जैसे हम लिखते हैं ना XMLA, पूर्व विधायक। ठीक है, तो वैसा नहीं लिखना है, ये इससे अलग चीज़ है। ठीक है, ये XHTML क्या है, XML और HTML का कंबाइंड कोड है। ठीक है, अब आप समझ सक रहे हैं मैं क्यों हंस रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे एक्स से संबंधित होती है। खैर चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जब आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के द्वारा डेटा को स्टोर करते हैं तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको वही एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन XML के साथ ऐसा नहीं है, और XML से आप डेटा कभी भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। विशेषता इसके XML की क्या है, XML कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत ही उपयोगी, पावरफुल और एक्सलेंट ऑप्शन है। XML के द्वारा डेटा का डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया जा सकता है, XML का फॉर्मेट ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों के द्वारा पढ़ सकते हैं इसको, और XML डेटा को ट्री स्ट्रक्चर में हैंडल करती है जिससे प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, एकदम 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 मतलब छिंदवाड़ा की लैंग्वेज में बोले सटसटा के। ठीक है, मैं जिला छिंदवाड़ा से हूँ, एकदम हमारे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाती हूँ, क्या चल रहा है लैपटॉप एकदम सट सटा के या एकदम पनपना के। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय भाषा है, आपको नॉलेज में रखने के लिए मैंने बता दिया, हालांकि वहाँ पे लिखना नहीं कि पनपना के चले, अगर छिंदवाड़ा वासी हो तो लिख दोगे, लेकिन वहाँ पे नंबर मिले या ना मिले इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दोस्तों में कि मेरा लैपटॉप चल रहा है एकदम एकदम पन्ना के एकदम ऐसा। ठीक है, समझ रहे, तो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने और दोबारा प्रयोग करने के लिए अच्छी ये टेक्नोलॉजी है, और XML में डेटा को मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। उपयोग क्या है, उपयोग हम देख लेते हैं, बड़ी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, लंबे लंबे चौड़े काम है इसके। ठीक है, बोलते हैं ना या लंबे चौड़े काम भी, बड़े बड़े काम दिखता है, तो XML का काम भी वही है, XML का काम भी वही है, लंबे मतलब वेबसाइट को मेंटेन, बड़ी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, डेटाबेस को लोड और अनलोड करने के लिए, डेटाबेस को लोड और अनलोड, ट्रक को लोड और अनलोड करते हैं ना, वैसे इसका भी काम है XML का। जैसे हाईवा है, हाईवा जो डंपर होता है, ऐसा का नहीं होता है लेकिन मैंने बताया है, ऐसा होता है, तो वहाँ पर डंपर को लोड अनलोड करते हैं, वैसे यहाँ पे डेटाबेस को लोड और अनलोड करने का काम किसका होता है, XML का होता है। XML को स्टाइल शीट के साथ मर्ज किया जा सकता है, किसी भी तरह तरह का डेटा XML डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। HTML वर्सेस XML क्या, XML डेटा को कैरी करने के लिए डिज़ाइन की गई जबकि HTML डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। डेटा को कैरी करने के लिए XML है और डेटा को डिस्प्ले करने के लिए क्या है, HTML। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। HTML के सभी टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं जबकि XML में टैग प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। HTML में टैग्स क्या होते हैं, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं जबकि XML में टैग्स प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने HTML में तो हमने ये देखी, HTML का ये डॉक्यूमेंट हमारा बना रखा है, इसी को बार बार इस्तेमाल करेंगे, बार बार करेंगे, हर बार करेंगे, जब जब तक ये वीडियो चलेगा तब तक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे HTML का ये डॉक्यूमेंट है क्योंकि हमने बनाया, हम ही करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये HTML का डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मेट है, प्री डिफाइंड टेक्स्ट है, हमने HTML को खुद से नहीं बनाया, वो प्री डिफाइंड है, टिम बर्नर्स ली महाराज थे जिनने इसका मतलब सबसे पहले इस्तेमाल किया था, तो ये आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसके एग्जांपल, जो XML को कैसे लिखते हैं, इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, XML को हम लिखने का तरीका है यहाँ पे इस प्रकार, ये करेंगे, इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे,
क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। XML वर्जन इक्वल 1.0 यहाँ पे ये रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में, फिर इनकोडिंग। ये यहाँ पे बेसिकली ये देखो, इसको कंफ्यूज नहीं करो, इसको तीन चीज़ें यहाँ पर रहेगी, वर्जन रहेगा, एनकोडिंग रहेगी और स्टैंड अलॉन। वर्जन क्या रहेगा, 1.0 या जो भी वर्जन आपको लिखना है। एनकोडिंग में UTF-8 यहाँ पर रहता है आमतौर पर, और स्टैंड अलॉन यस या नो रहता है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। और ये टैग ओपन हुआ है तो यहाँ पर टैग को यहाँ पे बंद भी कर देना है। इस प्रकार से पर्सन यहाँ पे है, पर्सन टैग ओपन हुआ, पर्सन टैग बंद हो गया। नेम यहाँ पे हो गया राम, यहाँ पे नाम लिख दी किसी का और नेम यहाँ पे बंद हो गया। एज यहाँ पे लिखे, टैग ओपन किए, टैग बंद कर दी, 24 लिख दी। तो ये यहाँ पे XML के अंतर्गत इस प्रकार से हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। XML में डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, डिक्लेरेशन ये जो यहाँ पे हुआ ना उसके बारे में थोड़ा समझ लो। HTML में तो समझ गए, XML में भी समझ लीजिए। XML डिक्लेरेशन इस प्रकार से होता है, ये छोटा बड़ा का जो निशान है, छोटा बड़ा के नहीं मतलब, जैसे मान लो ये निशान है तो यहाँ पे मान लो 5 छोटा है 6 बड़ा है, ठीक है। तो ये से बड़ा का जो निशान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेस देन का ये चिन्ह है, 5 लेस देन है किससे, 6 से लेस देन ये, और ये एक चिन्ह होता है ग्रेटर देन, 6 ग्रेटर देन किससे, 5 से। तो ये लेस देन का चिन्ह यहाँ पे है। आई होप मेरी अंग्रेजी सही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको यदि शायद अंग्रेजी में थोड़ा डाउट हो तो जो चिन्ह है उसको दिमाग में छाप लेगी, ये चिन्ह यहाँ पर लगा रहा है, ठीक है, समझ गया। XML डिक्लेरेशन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे क्वेश्चन टैग और जो ग्रेटर देन है उस चिन्ह में जाकर ख़त्म होता है, ठीक है। कैसे यहाँ पर ख़त्म हुआ ये देखो, शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से शुरू हुआ लेस देन वाले चिन्ह से, क्वेश्चन मार्क XML लगाया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के ग्रेटर देन में बंद कर दिए, तो ये शुरू हुआ, यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे वर्जन वगैरह दिए गए, एनकोडिंग दी गई है। और एक चीज़ और समझ लो, XML डिक्लेरेशन में तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, वर्जन होता है, एनकोडिंग होती है, स्टैंडर्ड अलॉन, ये तीन एट्रीब्यूट होते हैं, वो आपको लिख लेना है। वर्जन डिफाइन होता है रेगुलर वैल्यू 1.0 आपको लिखना होता है, एनकोडिंग कैरेक्टर, एनकोडिंग डिफाइन होता है रेगुलर वैल्यूज UTF-8 UTF-16 EUJP यहाँ पे होता है। स्टैंड अलाउन में यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट स्टैंड अलाउन या DTD डिपेंड रेगुलर वैल्यू CS या नो हमको देनी होती है। यहाँ पे देखिए UTF-8 UTF-16 या फिर EUCJP यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1.0 है ना, तो ये 1.0 रहने दो। एनकोडिंग में UTF की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये दो चीज़ें लिख सकते हो। स्टैंड अलाउन में यस या नो आता है तो आप यस लिखें, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। HTML टैग्स होते हैं, ये देखो स्टार्ट टैग, एंड टैग, एम्प्टी टैग वो होता है जो शुरू कर दिए, ख़त्म कर दिए, पता ही नहीं, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, वो एक मीम है ना, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है, एम्प्टी टैग मतलब हाँ शायद वो एक मूवी है ना, मुन्ना भाई सर्किट रहते हैं भाई, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये एम्प्टी टैग वही है। स्टार्ट टैग आप समझ के, स्टार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे उसको स्टार्ट टैग है, एंड टैग उसको एंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे स्टैंड अलाउन, ये तीन एट्रीब्यूट है, वर्जन एनकोडिंग और स्टैंड अलाउन यहाँ पे दिए गए हैं। पर्सन नेम वगैरह ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको दिए एट्रीब्यूट वगैरह ये दिए गए हैं, ये आप देख लेना। ये कमेंट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, कमेंट। अब यहाँ पे स्कीमा समझ लेते हैं, स्कीमा क्या होती है। स्कीमा एक होती है सीमा, एक होती है स्कीमा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये स्कीमा शब्दावली के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। HTML में सभी टैग्स प्री डिफाइंड होते हैं, इसलिए HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फिक्स होता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं XML में टैग्स प्री डिफाइंड नहीं होते, इसलिए HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर भी फिक्स नहीं होता है। सभी HTML एडिटर और दूसरे सॉफ्टवेयर इस कमांड स्ट्रक्चर से परिचित होते हैं, XML एडिटर और दूसरे सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर का कोई आइडिया नहीं होता। तुम्हारे खेत में क्या लगा, हमको क्या पता, ठीक मतलब इस टाइप से हो गए यहाँ पे, मतलब तुम्हारे घर में क्या चल रहा है हमको क्या पता, मतलब XML एडिटर को ऐसा होता है ना, XML एडिटर होता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का कोई आइडिया उनको नहीं होता। यही कारण है कि HTML एडिटर को पहले से ही HTML प्रोग्राम के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, और क्योंकि HTML में सब कुछ फिक्स और पहले से डिफाइंड है, इसलिए कुछ भी नया अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है। और यहाँ पे ये चीज़ें हैं, आप समझ लो, इसमें ये चीज़ें होती है, मैं इसको समझाने की आवश्यकता है इसको मुझे नहीं लग रहा कि आप पढ़ लेना इसको एक बार।
यहाँ पे स्कीमा हम देखते हैं। एक स्कीमा XML डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है जिससे XML एडिटर्स उस डॉक्यूमेंट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ये स्कीमा क्या होते हैं? XML डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है जिससे XML एडिटर्स उस डॉक्यूमेंट के बारे में जान सकते हैं। हालांकि XML में बहुत से स्कीमास अवेलेबल, लेकिन DTD उसमें सबसे पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये आप देखेंगे DTD के बारे में। DTD XML एडिटर्स या दूसरे सॉफ्टवेयर इसे रीड कर सकते हैं। DTD को रीड करके एडिटर खुद को डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे XML प्रोसेसर डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, और प्रोग्रामर को बेहतर अनुभव देने के लिए भी XML डॉक्यूमेंट को DTD के द्वारा इंप्रूव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए DTD को रीड करने के बाद कुछ एडिटर XML डॉक्यूमेंट के सभी एलिमेंट्स की लिस्ट पब्लिश कर सकते हैं। DTD का रोल ये स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा एलिमेंट डॉक्यूमेंट में किस जगह पर आएगा। और जैसे कि यदि DTD नेम एलिमेंट एड्रेस ठीक है से पहले आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट में भी नेम एलिमेंट पहले ही आएगा। ऐसा नहीं होने पर XML प्रोसेसर एरर शो करेगा। यहाँ पे और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डी टी डी। इंटरनल DTD इस तरह की डॉक्यूमेंट को XML डॉक्यूमेंट में डिफाइन किया जाता है। जब डॉक्यूमेंट की स्मॉल साइज होती है तो उसे DTD में डिफाइन करना ठीक रहता है। एक्सटर्नल DTD क्या होते हैं? इस तरह के DTD को डॉक्यूमेंट से सेपरेट किया जा सकता है, और जब डॉक्यूमेंट की साइज लार्ज होती है तो ये तरीका बेहतर होता है। XML नेम स्पेस मतलब किस नेम का इस्तेमाल करके हम उसको पुकारेंगे, कॉल करेंगे, फिर किस नाम से वहाँ पर कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे। XML एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, आप सभी को पता है, इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में कोई और प्रोग्रामर भी एक्सटेंड कर सकता है और उसे रिक्वायर्ड चेंज करते हुए यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है और सभी प्रोग्रामर इसे पसंद करते हैं। इस फीचर के साथ जैसे यहाँ ये इसका फीचर क्या है कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है और यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामर इसे एक्सटेंड कर सकता है। तो जो XML है वो बोलेगा ना, यहाँ तो जलवा है हमारे यहाँ पे, इस प्रकार से बोलते हैं ना। जैसे ये फीचर ये इसे अच्छा है। मान लो एक गाड़ी आई थी जिसका ऐड करते थे महेंद्र सिंह धोनी, TVS स्टार सिटी थी शायद वो, है ना। जब अंगूठा दमदार तो लात मारना बेकार है, ठीक है, एक ऐड ऐड चला था उसमें। ठीक है, जब अंगूठा दमदार तो लात मारने बेकार, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर था उसका, TVS स्टार सिटी का। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये फीचर है इसका XML का। और एक फीचर और मैं आपको बताता हूँ। एक बाइक इंट्रोड्यूस की थी TVS में, मेरे एक दोस्त के यहाँ पे थी, तो उसको मैंने चलाया था, काफ़ी मज़ेदार गाड़ी थी। उसमें उसका नाम था जाइव, TVS जाइव, जाइव जाइव ही नाम था शायद, है ना, स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो सकती, लेकिन वही था। तो उसमें वो नहीं होता है क्लच, बिना क्लच की गाड़ी होती है, उसमें 11 ऑटोमेटिक लगते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट शुरू में मतलब काफ़ी हिट हुआ था, लेकिन बाद में आकर फ्लॉप हो गया। तो फीचर हम बात कर रहे हैं फीचर की, ठीक है, तो फीचर बहुत सारे हो सकते हैं। इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि फीचर कैसे होते हैं। हालांकि उसके बाद जो कि बिना क्लच वाली जो बाइक है शायद नहीं आई है उसके बाद अभी तक, मतलब वो एक्सपेरिमेंट था उसका। चलो कोई दिक्कत नहीं, फीचर्स के बारे में बीच में कुछ कुछ चीज़ें आसपास की भी हमें डिस्कस करना ज़रूरी, नहीं तो आप बोलोगे सर इतना लंबा लेक्चर है, आसपास की चीज़ें भी नहीं बता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सटेंड नहीं करना है। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकता है कि ये टैग्स को प्री डिफाइन बनाकर उसे एक ग्लोबल डायरेक्टरी में सेव कर लिया जाए और सभी प्रोग्रामर उन टैग्स को यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के क्या हो सकता है कि ग्लोबल डायरेक्टरी में वो टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं XML वो वहाँ पर डाल दें और सब वहाँ पर से इस्तेमाल किए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से XML भी HTML की तरह हो जाएगी लिमिट, मतलब HTML बोलेगा जो काम हम पहले किया करते थे वो तुम अभी कर रहे हो। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है हमको, मतलब ऐसा यदि करेंगे मतलब टैक्स को या फिर जो चीज़ें हम वहाँ पर ले रहे हैं डिफाइन कर लेंगे ग्लोबल डायरेक्टरी में, तो फिर कुल मिला के HTML की बात हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और W3C नहीं चाहती कि XML एक लिमिटेड लैंग्वेज बने। जैसे वो होता ना 3 Idiot मूवी का वो डायलॉग है, अब्बा नहीं मानेंगे, तो वो W3C नहीं मानेंगी कि इसका उपयोग लिमिटेड लैंग्वेज के तौर पे किया है, इसलिए
उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जिसे कि XML नेम स्पेस कहा जाता है, XML नेम स्पेस कहा जाता है। नेम स्पेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं और XML को सीमित या लिमिटेड भी नहीं बनाते हैं। नेम स्पेस में पहले से नेम स्पेस क्रिएट करते हैं, नेम स्पेस क्रिएट करते समय उसमें प्रीफिक्स और URI जैसी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। नेम स्पेस को रूट टैग में XMLNS एट्रीब्यूट डिफाइन किया जाता है और XMLNS एट्रीब्यूट के आगे कॉलन लगाकर प्रीफिक्स डिफाइन किया जाता है और इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर नेम स्पेस का URL पास किया जाता है। ये URL है, URI नहीं है, ठीक है, URL पास किया जाता है, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, तो URI ठीक है, URI है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे दिए गए एलिमेंट नेम XML NS, फिर यहाँ पे प्रीफिक्स यहाँ पे दिए गए, नेम स्पेस आइडेंटिफायर, आर्बिट्रेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग है यहाँ पे, और ये URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है, ये यहाँ पे दिए गए नेम स्पेसेस में। आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग XML विद CSS के साथ कैसे हम करेंगे, वैलिडेटर का उपयोग यहाँ पे करेंगे, वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया, आप देख लेना, ये इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, बता नहीं कर सकता, मुझे नहीं लग रहा कि है। वेब सर्विसेज यहाँ पे देख सकते हैं, वेब सर्विसेज जैसे यहाँ पे क्लाइंट वगैरह, मतलब लास्ट में हम पहुँच चुके हैं, ये PDF बस ख़त्म ही होने वाली, क्लाइंट और ये सिलेबस भी आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा, इस पर जो रिव्यूजन का उद्देश्य हमारा भी ख़त्म होने वाला। वेब सर्विसेज क्लाइंट यहाँ पे ही वेब सर्वर से वेब सर्विस मिलेगी, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, पहले सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो चेक करेगा भाई ये सही है कि नहीं सही है, तो उसको दो, ऐसा बोलते हैं ना भगवान से बोलना, क्या चाहिए, वो क्या चाहिए तुम्हें, या बात हम तुम्हारी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हैं वो लोग जो हमने टीवी में देखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम तुम्हारे परिश्रम या ऐसे ऐसे खुश हुए, बताइए तुमको क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे सर्वर में, सर्वर में रिक्वेस्ट डालेंगे, तो हमको यहाँ पे यदि हमारा काम होगा सही से तो हमको मिल जाएगी, या हमें वैलिड जो रिक्वेस्ट यदि हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाएगी वेब सर्विसेज के अंतर्गत। क्लाइंट किसकी तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी, फिर रिक्वेस्ट के बाद ही यहाँ पे क्लाइंट को रिस्पॉन्स आएगा। विभिन्न प्रकार की बुक्स और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन वेब सर्विसेज के लिए अलग अलग डेफिनेशन प्रदान करते हैं। जैसे एक वेब सेवा किसी भी सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो खुद को इंटरनेट पर उपलब्ध कराता है और एक स्टैंडर्डाइज्ड XML मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग करता है। XML का उपयोग सभी कम्युनिकेशंस को एक वेब सर्विस को एनकोड करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक ग्राहक एक XML संदेश भेजकर एक वेब सेवा को इनवोक करता है, फिर इसी XML रिस्पॉन्स की वेट करता है। जैसा कि सभी कम्युनिकेशन XML में है और वेब सेवाएं किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम और या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बंधी नहीं है, जावा पर्ल के साथ टॉक कर सकता है, विंडोज एप्लीकेशन यूनिक्स एप्लीकेशन के साथ टॉक कर सकते हैं, जैसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसी भाषा में। वेब सर्विसेज सेल्फ कंटेंट मॉड्यूलर डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब सर्विसेज TCP/IP HTTP जावा, ये सारी चीज़ें ओपन स्टैंडर्ड के टॉप पर बिल्ट है, आप समझ लेना, ठीक है, एक बार इसको देख लेना। PDF आप जैसे जो अभी आपने जो सुने हो उसको एक बार PDF में भी देख लेना, तो एक बार थोड़ी सी लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, लिखने के मतलब हेडिंग तो डाल लेना, तो उससे आप काफ़ी अच्छे से आंसर शीट में लिख पाओगे। टू समराइज अ कंप्लीट वेब सर्विस, हम आखिरी में देखते हैं वेब सर्विस क्या है। इंटरनेट या निजी इंटरनेट नेटवर्क पर उपलब्ध है, एक स्टैंडर्ड XML मैसेज सिस्टम का उपयोग करता है, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्रामिंग भाषा से बंधा नहीं है, एक सामान्य XML ग्रामर के माध्यम से सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, एक सिंपल फाइंड मैकेनिज्म के साथ के माध्यम से खोज योग्य ये है। कंपोनेंट ऑफ वेब सर्विसेज कंपोनेंट क्या होते हैं। बेसिक वेब सर्विसेज प्लेटफॉर्म XML प्लस HTTP है और सभी स्टैंडर्ड वेब सर्विसेज निम्नलिखित कंपोनेंट का उपयोग कर सकती है, जैसे SOAP सोप मतलब साबुन का इस्तेमाल नहीं करेगी, सौंदर्य साबुन निर्मा का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, सबकी पसंद निर्मा का इस्तेमाल नहीं करना। सोप मतलब क्या है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, सोप का इस्तेमाल नहीं तो करने लगे, हमने एक तरफ लगाया डब, दूसरी तरफ पता नहीं क्या लगाया, तो वैसी चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। सोप मतलब सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल UDDI
यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन WSDL वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस, यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे ये क्या है इसके कंपोनेंट, वेब सर्विसेज के कंपोनेंट है। सोप क्या है, सोप के बारे में आप देख लेना। सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है यहाँ पे। एक कंप्यूटर या कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक XML बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, और सोप XML स्पेसिफिकेशन का एक एप्लीकेशन है। सोप एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसे इंटरनेट के माध्यम से संचार के लिए डिज़ाइन किया गया है। सोप XML मैसेज के लिए HTTP को एक्सटेंड कर सकता है। सोप वेब सर्विसेज के लिए डेटा ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। बहुत सारी चीज़ें ये करता है, आप यहाँ पर देख लेना। मैसेज का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना इसका। UDDI आप यहाँ पर समझ लो। यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन, यहाँ पे यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे FDDI है, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक थोड़ी सी अलग कहानी बता रहा हूँ, हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में ये एक संस्था खुली है जहाँ पे फुटवेयर डिज़ाइन करना वहाँ पर सिखाते हैं, ठीक है। तो बीच में वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि वहाँ पर डिप्लोमा मतलब पेपर में पढ़ने का आया था कि वहाँ पे डिग्री के नाम पे एडमिशन लिए और डिप्लोमा पकड़ा दिए, ठीक है। डिप्लोमा आपको दे दिए गए, डिग्री बोले थे हम डिग्री देंगे, डिप्लोमा पकड़ा दिया, ऐसा कुछ सीन हुआ था वहाँ पे। तो तब से मतलब हमारे एक सर है, यहाँ पे एक कोचिंग है लोकल में गोल्डन ड्रीम्स नाम की, गोल्डन ड्रीम्स इंग्लिश वहाँ पर सिखाते हैं, इंग्लिश स्पोकन के लिए वहाँ पर कोचिंग है। तो वहाँ पर वो जो हमारे सर है जो राजू मोहरे सर है वो क्या बोलते थे, FDDI का फुल फॉर्म पूछते थे, तो वो बताते थे मतलब मजाक में। हालांकि मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए था, पर नाम ले लिया तो मैं नहीं बताऊंगा फ्रेंड में, चलो छोड़ो इसको। सर बोलेंगे मेरा नाम बदनाम कर रहा है तो। चलो रहने दो, उसको हटाओ। UDDI यहाँ पे आप देख सकते हैं, UDDI वेब सर्विसेज का डिस्क्राइबिंग पब्लिशिंग एंड फाइंडिंग करने के लिए एक XML बेस्ड स्टैंडर्ड है। UDDI वेब सेवाओं की डिस्ट्रीब्यूटेड रजिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकेशन है। UDDI एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ओपन फ्रेमवर्क है। UDDI 1.0 खालिस्तान ही आप समझ लेना, ये थ्योरी है, इसके बारे में देख लेना। इसके जो एलिमेंट्स वो हम देख लेते हैं। एक व्यवसाय या एक कंपनी UDDI रजिस्ट्री में तीन प्रकार की जानकारी दर्ज कर सकती है, वाइट पेजेस, येलो पेजेस और ग्रीन पेजेस। कौन कौन से, वाइट पेजेस, येलो पेजेस और ग्रीन पेजेस। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड इट्स बिजनेस, ये वाइट पेजेस में होगा, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड इट्स बिजनेस। येलो पेजेस में, येलो पेजेस कंटेन मोर डिटेल अबाउट द कंपनी, इसके बारे में और हम विस्तार से पढ़ेंगे। ग्रीन पेजेस कंटेन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब सर्विसेज। तो ये है यहाँ पे इसके तीन UDDI रजिस्ट्री में तीन प्रकार की जानकारी दर्ज कर सकती है, ठीक है। WSDL ये क्या, वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। WSDL वेब सर्विसेज का वर्णन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए XML बेस्ड लैंग्वेज है। और WSDL माइक्रोसॉफ्ट और IBM द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। और यहाँ पे ये और देख लेना, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है, थोड़ी सी थ्योरी है, एक थोड़ा सा देख लेना आप इसको। इसके एलिमेंट देख लो, WSDL वेब सेवाओं को तीन विशिष्ट पहचानने योग्य तत्वों में तोड़ देता है, जिन्हें एक बार परिभाषित या पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे टाइप्स है, ऑपरेशंस है, बाइंडिंग है, ये आप देख लेना। और यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पे दी गई है, वेब एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट, क्लाइंट बेस्ड स्टेट मैनेजमेंट और सर्वर स्टेट मैनेजमेंट, यहाँ पे आप देख लेना। इसको मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता होगी, आप इतना समझ चुके हैं। तो लगभग हम आ चुके हैं आखिरी पेज पे, और ये 115 में से 115 पेज हम ख़त्म कर चुके हैं। हमने HTML भी पढ़ लिया और वो सारी चीज़ें HTML पढ़ लिया और HTML इकाई एक में पढ़ लिया, और बाकी जो ASP.NET से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है, वो हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो ये रिविज़न का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो लगभग मैं मानता हूँ कि आप काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट है और आपको आप पेपर को लेकर सीरियस है, ठीक है। तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो रिवीजन का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको इसको विस्तार से सीखना है या आपको PDF डाउनलोड करना, तो PDF के लिए आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, इसका नाम है SSW एजुकेशन PDF, ये हो गया। और यदि आपको हमारे चैनल पर जाना है तो चैनल पर आप जिस ये वीडियो YouTube में ही देख रहे हैं तो YouTube चैनल में आपको HTML संबंधित या फिर ASP.NET संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगी, जो कि
अरविंद सर के द्वारा जो बनाई गई है, तो आप उसको देख सकते हैं यदि आपको वेब डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ें सीखनी है, ठीक है, ASP.NET के अंतर्गत। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।